you सभा पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक ये छोटी बड़ी सभाएं आयोजित की जाती हैं सामान्य हिंदू से लेकर विविध संगठनों के माध्यम से कार्यरत धर्म प्रेमी हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का प्रचार एवं उसकी तैयारी में पूरी लगन के साथ सम्मिलित होते हैं प्रवेश द्वार पर आने वाले जागरण और उत्साह का संचार आरंभ होता है संतों के तथा माननीय वक्ताओं के आगमन से उसमें वृद्धि होती है आरंभ में वेद मंत्रों का उच्चार होता है हमारे तो अधिकृत निभाषातरण की है वे कहते हैं कि सेक्यूलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता माननीय वक्ता उपस्थित हिंदुओं को जागृत कर उनका जोश बढ़ाते हैं हिंदू राष्ट्र कोई हमारे झोली में डालने वाला नहीं है इसके लिए संघर्ष अटल है इसके लिए रास्ते पे अटल है जिसके लिए संगठित होना अटल है तो जल्द से जल्द भारत को धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए हरा हरा या जाता है इन मस्जिद मदरसों में कैसे कलावा बांधना है कैसे झूठे नाम रखने हैं मोटरसाइकिल दी जाती है पैसे दिए जाते हैं ये कोई एक व्यक्ति ने करने वाला अपराध नहीं है यह संगठित अपराध है ये डकैतों से भी बड़े डकैती है आतंकवादियों से बड़ा आतंक है और इसलिए नौ जहाज पर कानून लाओ इसके उपरांत उसी गांव के धर्म प्रेमियों द्वारा स्वरक्षा पद्धतियों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन दिखाने पर पूरा वातावरण जोश से भर जाता है सभा के उपरांत कार्य करने हेतु तैयार हिंदुत्व निष्ठो की बैठक होती है और आगे की कार्य योजना निश्चित की जाती है हिंदुओं ध्यान रहे हमारी समस्याएं हैं अनेक परंतु समाधान है एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हिंदू राष्ट्र जागृति के इस कार्य में आपके योगदान हेतु हमारा संपर्क है सात सात तीन आठ दो तीन 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 ईमेल कॉन्टैक्ट एट हिंदू जागृति डॉट ओ आर जी सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें सभी को नमस्कार यह सत्र आरंभ होने से पूर्व एक सूचना है बंधुओं धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होना चाहिए क्या यह जो प्रश्न है यह हम सभी के मन में है उत्तर भी हमें मालूम ही है इस विषय में हमें अपना मत रखना है इस विषय के संदर्भ में ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है उसका हैशटैग हैश टैग बैन इस ट्विट इस ट्रेंड जो हैशटैग है उसके साथ आप ट्रेंड कर सकते हैं साथ में ही प्राउड टू बी हिंदू और घर वापसी है ज़रूरी ऐसे कीवर्ड्स का भी हम उपयोग कर सकते हैं अब हम वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के ष्ठ दिवस के तृतीय सत्र का आरंभ करेंगे हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे हे भगवान श्री कृष्ण जी दुर्जनों का नाश कर आपने ही धर्म की संस्थापना की है आप ही हमें हिंदू धर्म पर आए इस खोर संकट काल में संगठित कार्य करने की प्रेरणा दें हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु बुद्धि भक्ति एवं शक्ति प्रदान करें ऐसे आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है बंधुओं आज 21 तारीख है कल 22 है हमारे महोत्सव का अंतिम दिवस है बहुत ही कम समय हमारे पास में है परंतु ऐसा लग रहा है कि हम सभी एक ही परिवार के हैं और जो यहाँ पर नाता हमारा एक कुटुम्ब की भावना निर्माण हो रही है वो वापस घर जाने के बाद भी रहेगी हमारे आपस में हम संपर्क में रहेंगे यह जो उद्बोधन सत्र है उसका विषय है शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन इस सत्र के आरंभ के लिए मैं व्यासपीठ पर श्रीमती मीनाक्षी शरण जी श्री आनंद जाखोटिया जी श्री जगदीश चौधरी जी एवं श्री अजीत चौधरी जी ने व्यासपीठ पर आने का निवेदन करती हूँ घोषणाओं के साथ हम वक्ताओं का स्वागत करेंगे प्रभु श्री राम हनुमान की जय भवानी जय छत्रपति शिवाजी महाराज की चुके हैं व्यासपीठ पर हमारे सबसे दाई और अजीत चौधरी जी आसनस्थ हैं उनके निकट श्री जगदीश चौधरी जी हैं उनके निकट आनंद जाखोटिया जी हैं और सबसे बाई और मीनाक्षी शरण जी आसनस्थ हैं सर्वप्रथम हम जगदीश चौधरी जी को सुनेंगे उसके पूर्व उनका परिचय जान लेंगे श्री जगदीश चौधरी जी बालाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर हैं आप ग्रीन इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं वर्ल्ड वाटर काउंसिल फ्रांस एशिया वेगन सोसाइटी कठमांडू के आप सदस्य हैं पर्यावरण रक्षा हो जल की रक्षा हो इसके लिए आप गत 20 वर्षों से अधिक कार्य में का कार्यरत हैं शिक्षा क्षेत्र में अनेक पुस्तकें भी आपने लिखी हैं आपकी विशेषता है कि आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे वो फार्मेसी का कॉलेज हो बीएड का कॉलेज हो वहाँ पर आप आपके विद्यार्थियों के लिए राष्ट्र और धर्म से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने सभी विद्यार्थियों को इन कार्यक्रमों में आने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं शिक्षा क्षेत्र में फैली दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध कार्य कैसे करें इस विषय पर उद्बोधन के लिए मैं चौधरी जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया हमें मार्गदर्शन करें हिंदू राष्ट्रम सभी को नमस्कार सबसे पहले सभी बंधु और भगिनी को बधाई कि जिस बीज का रोपण मैं इस महोत्सव में देख रहा हूं उसका जो आधार आप लोगों ने रखा है उसके लिए जो ये अभी वर्तमान का सत्र जो चला है शिक्षा के संदर्भ में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा और जब सही मायनों में इस पे काम शुरू होगा तो जिसको हम भारत कहते हैं और जो भारत पूरी दुनिया को शांति देता है और नेतृत्व करने की क्षमता रखता है उस दिशा में कहीं ना कहीं हम बहुत आगे बढ़ेंगे सबसे पहले क्योंकि किसी चीज़ को कभी न देखा हो न सुना हो न पढ़ा हो तो उसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल सा हो जाता है हम लोगों ने बहुत बड़ा साहित्य पढ़ा है अपने अपने जीवन को ठीक से जीने की कोशिश की है फिर भी हमारे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो आज वो कल्पना भी नहीं कर पाते कि वास्तव में भारतवर्ष है क्या या भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है वास्तव में किस प्रकार से काम करती है हम में से बहुत सारे साथी भगवान श्री कृष्ण पर भी अपने विचार रखने की कोशिश करते हैं लेकिन हम सबको अच्छे से पता है कि हम अपनी उस कोशिश में न्याय नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना विराट है और इतना विस्तार है उसका कि हम उनका अंश भर भी पकड़ मुश्किल से पाते हैं और वो लोग उनकी मूर्खता की आप आइडिया लगा लें कि जो उन भगवान पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए दृष्टता कर सकते हैं से उसी तरह से ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था का है सबसे पहले मैं तीन स्तर पर इस बात को लेकर रहूँगा सबसे पहले शिक्षा का हमें एक अर्थ समझ में आए फिर दूसरा एक भारतीय दर्शन क्या है ताकि समस्या का पता लगे कि जड़ कहाँ है हमारी और तीसरा ये है कि जब वो पता लग जाएगा तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में लेकर जा रही है ताकि एक सहजता से हर व्यक्ति मूल्यांकन कर सके कि गड़बड़ कहाँ पर है और हम इलाज क्या कर रहे हैं क्योंकि यदि हमारे हृदय का रोग हो और हम आँख का इलाज करें तो ये ठीक नहीं है और ये जितनी भी पॉलिसी बनती हैं जितनी व्यवस्थाएँ चल रही हैं ये सारी की सारी इस तरह से एक तरह से यूँ कहना चाहिए कि झोला छाप डॉक्टर है और उसको पूरा पता भी नहीं चल पा रहा कि गड़बड़ कहाँ है और हम लोग इलाज लेकर चल रहे हैं सबसे पहले जो ये मनुष्य है ये शायद परमात्मा की सबसे लाडली संतान है कि बाकी सारे जीव जंतुओं की तुलना में इसको ऐसी क्षमताएं और योग्यताएं दी हैं कि इतना गहरा चिंतन कर पाता है कि ये सृष्टि काम कैसे कर रही है ना केवल हम अपना बल्कि सारे जगत को जानने की ये जो कल्पना है और ये जो चेष्टा है ये मनुष्य के अंदर ही है और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा व्याकुल जीव भी मनुष्य है और सबसे ज्यादा संतुष्ट और शांत जीव भी मनुष्य है ये दिशा कौन सी होगी इससे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है क्योंकि हम जितना अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं वो हमारा व्यक्तित्व तो कहलाता है अधिकतम लोग ये व्यक्त करना भूल ही गए कि वास्तव में मेरा परिचय है क्या हम जब स्वयं को जानते ही नहीं हैं अपनी क्षमताओं की हमें समझ ही नहीं है और हम ये जानते नहीं ऐसा भी कुछ होता है तो वो एक तरह से विलुप्त जैसा हो गया कहते हैं कि यदि किसी समाज को ख़त्म करना हो वहाँ की व्यवस्थाओं को मिटाना हो तो केवल तीन पीढ़ियाँ चाहिए अभी मैं एक लाइन बोलता हूँ आपको ये लगभग दस दिन पुरानी है मैं एक और एक अच्छे व्यक्ति दिल्ली में बैठ के चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति ने एक लाइन मुझे बोली एक काम कर दीजिए ऐसा करो कि भारत में जितने भी इस्लामिक ये केंद्र बने हैं जो बिल्डिंग्स बनी हैं इनको खत्म कर दो जड़ से साफ कर दो सौ साल के बाद फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर तो बहुत सारी जो लोग होंगे जो उस समय के वो कहेंगे ये थे ही नहीं ये ऐसे ही बनावटी बातें हैं इक्का दुक्का बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया होगा बाकी तो ऐसे ही होगा सारा कुछ जबकि हम लोगों को पहुंचाए नुकसान तो सौ साल से कहीं सौ साल ज़्यादा हो गए हैं ग्यारह सौ बानवे का जो कुचक्र चला है जिनको हम पढ़ते हैं कि पूरी नदियाँ पूरे मैदान रक्त से सान दिए गए सब लोगों को हिंदुओं को एक तरफ से लाइन लगा के काट दिया गया और आज हम लोग उस विषय की कल्पना करने की भी कोशिश करें अंत तक आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही अच्छा, आ, जाए। 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 की। जाए। जाए। तो हम लोग उन दिशाओं की अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं हम और शायद जब घर के ही लोग विश्वास ना करें तो हमारा काम दुश्मनों का काम आसान हो जाता है सबसे पहले इस मनुष्य से ताकि हम शिक्षा पर अपनी सीधी सीधी बात रखें इस मनुष्य को हम देखें तो मनुष्य के दो हिस्से होते हैं पहला हिस्सा ये इसकी चेतना का है कॉन्सियसनेस का है जहाँ से प्रश्न शुरू होता है कि मैं कौन हूँ एम माई और जब पता लगता है कि मैं कौन हूँ तो क्या ये जो उंगली है मैं हूँ तो नहीं जैसा हम कहते हैं कि ये पेन मेरा है लेकिन मैं तो पेन नहीं हूँ ये कपड़े मेरे हैं लेकिन मैं कपड़ा नहीं हूँ और लास्ट में ये उंगली मेरी है लास्ट यूँ कहिए कि ये शरीर मेरा है इसका मतलब मैं शरीर तो नहीं हूँ तो हम चेतना पर जाकर रुकते हैं और जब चेतना की समझ हमारे अंदर आती है तो उसको हमने कहा कि वही जानने जैसा इस दुनिया में और कुछ जानने जैसा भी नहीं है और जब उसको जानते हैं तो इसी को ज्ञान कहा हम लोगों ने कि इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई इसने जान लिया है कि ये क्या है हम स्वयं को जान लेते हैं और दूसरा एक और भी है कि जब ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ इसके अलावा भी तो ये दुनिया में सब कुछ चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है तो दिखाई तो मुझे अपना शरीर भी पड़ता है ये सारा सिस्टम दिख रहा है तो ये सारा का सारा क्योंकि जो ज्ञान से रहित है उसके लिए दो शब्द प्रयोग होते एक ए और एक वी वी माने जो कि रहित होता है जो ज्ञान से रहित है हम लोग उसको वी जगह जोड़ देंगे ज्ञान के आगे तो विज्ञान के चीजें तो ज्ञान और विज्ञान क्योंकि वी को हमने विशेषते भी लिया कि विशेष तरह का ज्ञान हो जाए तो विज्ञान होता है लेकिन एक अर्थ ये भी है जो ज्ञान के अलावा बाकी है वो विज्ञान हो जाता है इसलिए क्योंकि दुनिया में दो ही चीज़ें हैं एक मैटर है और एक एनर्जी है क्योंकि एनर्जी का ही फॉर्म है वो मैटर भी मैं उस पर ज़्यादा नहीं लेकिन इसलिए जब मुझे पता लगे कि मेरा मैं कौन हूँ मुझे ज्ञान हूँ और उसके बाद जब ये मेरी उंगली है और इसके बारे में उनको समझ हो जाए कि हाँ इसमें एक स्किन होती है इसमें फ्लैश मांस होता है खून होता है रक्त है और ये सारा डब्ल्यू बी तक हम आते हैं तो ये सारा विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं ये जो है ये क्या इसका स्ट्रक्चर है माइक का इसमें मैग्नेट है वायर है क्या है वो सारा स्ट्रक्चर पढ़ते तो विज्ञान में आता है ऐसे करके इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने विज्ञान में लिया जो मटेरियल में आता है तो जब ज्ञान और विज्ञान इन दोनों की हमारे अंदर समझ पैदा होती है तो समझ पैदा होने के बाद मुझे अपने बारे में एक दोनों दिशाओं के ना केवल समझ हो बल्कि उनको बैलेंस में करके चलता हूँ और बैलेंस करने के बाद जब इन दोनों का मैं ब्रिज का काम करूँगा कि इन दोनों को इस व्यवस्था के साथ लेकर चलना है कि जो ये सोचे ये शरीर उसको करने के लिए तैयार हो जाए सक्षम मैं इसको कर दूँ इट मीन्स के इधर मेरा चिंतन हो तो मेरी कथनी आए और उसके बाद करनी में कोई अंतर ना बचे इस प्रकार की जब व्यवस्था के लिए तैयार में होता हूँ तो इन दोनों को काम करने के लिए जो व्यवस्था आती है उसको हम शिक्षा कहते हैं इसलिए शिक्षा के लिए मनुष्य के अंदर जो चलता है पहले तो चलना क्या चाहिए वो तब चल पाएगा जब आपके अंदर ये समझ हो जाए कि वास्तव में मैं क्या हूँ क्योंकि मनुष्य को ये पता लग जाएगा कि जो जीव मेरे अंदर चलता है वो इस सृष्टि के सारे तरफ जो जीव दिखाई पड़ता है तो उसको हमने कहा कि कण कण में भगवान है राम है इस बात का एक एहसास एक स्मृति जो वेदों में कहा है कि जो स्मृति है कि जो ढका हुआ है आवरण से एक ऐसा आवरण जो सोने का आवरण है हमेशा हमारे वेदों ने यही कहा कि उस आवरण को हटाइए और ये जो सोने का आवरण है ये हमारी विस्मृतियाँ हैं और वो लालच हैं जिनकी वजह से वो विस्मृतियाँ हमारी पैदा हुई उसको हटाने जैसा है और इसको हटाने के लिए हमेशा हम लोगों ने ध्यान की बात रखी है क्योंकि जब हम ज्यादा स्मृति में जाते हैं स्मरण में जाते हैं तो अज्ञानता अपने आप मिटती जाती है दूर होती चली जाती है और वहीं से हमारी मुक्ति का या आज़ादी का या ज्योति का मार्ग प्रशस्त होता है इसलिए हमेशा ये कहावत हम लोगों ने अपना मंत्र बनाया तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम तम गमय अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अठारह आता है अठारह से पहले की भारतीय शिक्षा व्यवस्था जिसमें आपको मालूम है कि अकेले तमिलनाडु के अंदर एक लाख से ज़्यादा विद्यालय चलते हैं आपको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर कुल मिलाकर पौने सात लाख विद्यालय चलते हैं इसका मतलब हर गांव के साथ एक तो है ही बाकी कुछ विशेष जगहों पर और बड़े बड़े भी विद्यालय चल रहे हैं मैं आप लोगों को अट्ठारह सौ एक सेंसस कराया ब्रिटिशर्स ने अंग्रेज़ों ने ये जो सेंसस कराया वो इसमें शिक्षित लोगों का भी था कि भारत का लिटरेसी रेट क्या है वो बेसिकली लिटरेसी रेट नहीं था एजुकेशन रेट था एजुकेटेड मतलब शिक्षा में और साक्षरता में बड़ा गंभीर अंतर है तो उन्होंने जो अंतर कराया पहली बात हमें याद रखना चाहिए अट्ठारह वो ईयर है जब अंग्रेजों ने हमारे सारे संस्कृत विद्यालयों को या भारतीय पद्धति से चलने वाले विद्यालयों को तोड़ा है और ये आदेश जारी किया है कि इस कोई भी यदि इस व्यवस्था को चलाएगा ये जो हमारी मिशनरी है इसके अलावा कोई विद्यालय चलाएगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा या उसको पनिश किया जाएगा और सारे विद्यालयों को तोड़ दिया गया है ये की घटना है और अट्ठारह सौ साल के बाद सेंसस होता है और उस सेंसस में भारत का लिटरेसी रेट 91 परसेंट है इक्यानवे प्रतिशत ये अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया इसका मतलब है कि जो पहले 10 साल इस 10 साल में जो बच्चे पैदा हुए वो पढ़ ही ना सके उनको विद्यालय उपलब्ध ना हुआ और इसके अलावा बाकी सब पढ़े हैं नाइन्टी लोग पढ़े हैं तो वो बहुत सारे लोग जो हमको बरगलाते हैं कि महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं है या गरीब तबके के लिए शिक्षा नहीं है या विशेष वर्ग के लिए ही शिक्षा है बाकी के लिए नहीं है वो सब अपने आप धराशाई हो जाते हैं जब उनको ये पता लगता है कि सब डाटा भी उन्हीं का है व्यवस्था भी उन्हीं की है और उनके द्वारा इकट्ठा किया गया ये सब एक ढकोसला फैलाया गया कि भारत में शिक्षा जैसा कुछ था नहीं कुछ गिनती के लोगों के लिए था और ये था और वो था खैर मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ क्योंकि जो मिशनरीज ने जो किया उनका एक ही उद्देश्य था आप और अच्छे से हम लोग जानते हैं हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और सबने सुना भी होगा कि 1835 में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मेकाले एक लाइन बोलता है कि मैं पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम घूमा हूं और पूरे भारत में एक भी व्यक्ति ना तो मुझे गरीब मिला है दरिद्र मिला है ना चोर मिला है ना कभी कोई चरित्र और आध्यात्मिकता में गरीब व्यक्ति मिला है सब इतने मजबूत हैं ऐसे लोगों को हम जीत नहीं सकते और शासन नहीं कर सकते जब तक हम दो बातें ना कर दें इनकी आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ इन दोनों को नहीं तोड़ देंगे तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते इसलिए सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को नीचा दिखाने के लिए बहुत तरह के जो चलाए हैं उन्होंने व्यवस्थाएँ पैरलली लेकिन दूसरा जो आध्यात्मिकता का, का सूत्र और रास्ता हमारी शिक्षा से होकर गुजरता है इसलिए उन केंद्रों को तोड़ा गया और उसके बाद ये लिखा बनाया गया कि मिशनरी के विद्यालय चलेंगे और आपने पढ़ा होगा कि अठारह में उनसठ में साठ में ये कई सारे विश्वविद्यालय बनाए चाहे वो कलकत्ता का है चाहे मुंबई का है या चेन्नई का है या प्रयाग का है एक एक करके विश्वविद्यालय और जब दो या तीन पीढ़ियाँ मैं आपको एक और उदाहरण से देना चाहता हूँ कि यदि आप जम्मू कश्मीर में जाएँ तो उस कश्मीर के वो जो बच्चे जो उन्नीस के बाद पैदा हुए हैं आज उनकी उम्र लगभग इक्कीस इकतीस साल हो गई है इन तीस सालों में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके अंदर वो जज्बा भारत के प्रति नहीं है जो उनसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भारत के बारे में जानते और जुड़ते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही गोलियां और आतंकवादी और ये व्यवस्थाएं देखी हैं इसलिए उनको लगता है कि शायद ये भारत के सैनिक हमारे विरोध में काम कर रहे हैं हमारी आज़ादी के खिलाफ में हैं लेकिन ऐसे ही आप लोगों को जानना पड़ेगा कि जब 1947 उन्नीस में भारत आज़ाद होता है उन्नीस के भारत की आज़ादी वो राजनीतिक भी थी या नहीं थी शिक्षा के मामले में तो बिल्कुल राज स्वतंत्रता वो नहीं थी पहला शिक्षा मंत्री कौन है भारत का ये जानना पड़ेगा दूसरा शिक्षा मंत्री कौन है भारत का ये जानना पड़ेगा तीसरा शिक्षा मंत्री कौन है भारत का ये भी जानना पड़ेगा और उसकी जो सलाहकार समिति है जिसने पूरे पाठ्यक्रम बनाए तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम जाकिर हुसैन है वो हमारा शिक्षा मंत्री बनता है और वो व्यक्ति वो है जिसके पिता ने और जिसके परिवार ने जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाई है उनके घर की ज़मीन के डोनेशन पर ये यूनिवर्सिटी बनी है जामिया मिलिया इसलिए उन लोगों को यदि शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो आप भारत में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की उम्मीद करते हैं और इसलिए उसके जो सलाहकार हैं वो सारे के साले अली सारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया केवल इन दो के अलावा आपको तीसरी यूनिवर्सिटी का व्यक्ति नहीं मिलेगा और वो सारे के सारे उसी से बिलोंग करते हैं उस आइडियोलॉजी के साथ और उस विचारधारा के साथ इसलिए भारत में भारत का इतिहास नहीं है भारत में भारत का विज्ञान नहीं है भारत में भारत का दर्शन नहीं है भारत के समाज शास्त्र में भारत का ही समाज नहीं है आप लोग भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें केवल भारत के समाज पर बाहर के लोगों ने क्या आक्रमण किया है क्या शासन किया है और किस तरह से चलाया है केवल बाहरी आक्रमणकर्ताओं के अलावा कोई भारत का इतिहास आपके इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलेगा भारत के विज्ञान की पुस्तकों में भारतीय विज्ञान के अलावा जो बाहर के लोगों ने जो, जो विज्ञान दिया और किया है केवल उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा इसलिए भारत की शिक्षा में भारतीय शिक्षा कहाँ है भारत के इतिहास में भारत का इतिहास कहाँ है इसलिए किसी भी शब्द विषय को उठाएं मैं अंग्रेजी की बात करता हूँ अंग्रेजी भाषा में यदि पोइट्री पढ़ेंगे तो वर्ड्स वर्थ की ही पढ़ेंगे आप वो एक भाषा है भारत के हजारों लोगों ने अंग्रेजी भाषा में लिखा है उनके साहित्य को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते आप विद्यालयों में क्योंकि केवल भाषा ही तो सिखानी है ये कहाँ लिखा है कि पहली दूसरी पांचवीं बारहवीं क्लास में आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ें अंग्रेजी भाषा के लिए आपने कहा है कि सब्जेक्ट पढ़ेंगे इसलिए आप एक एक विषय को देखेंगे तो हमारे अंतर में हमारी रगों में ये भर दिया गया और जो ब्रिटिश लोगों ने काम किया था उनका एक ही सूत्र था कि भारत के लोग खड़े ना हो सकें और खड़े ना हो सके तो इनको खोखला करना पड़ेगा और खोखले का सूत्र एक ही होता है इनको गुलाम रखना होगा इसलिए गुलामी आज तक भी हमारा समाज एक ही लाइन पूछता है पढ़ाई पूरा होने के बाद के नौकरी कहाँ करते इस मीन्स के गुलामी कहाँ करते आज भी सिंबल केवल गुलामी का है गुलामी का स्टेटस नीचा या ऊंचा इतना हो सकता है कि आप लोगों को सरकारी नौकरी मिली है या प्राइवेट में किसी हायर पोजीशन की मिली है लेकिन नौकरी शब्द चलता है नौकर से ही तो नौकरी बनता है ये कभी नहीं कहा कि आपने अपना कौन सा रोजगार शुरू किया जिस दिन आप अपना रोजगार नहीं कर पाते आप स्वावलंबी भारत की बात नहीं कर सकते भारतीय दर्शन और शिक्षा की बात नहीं कर सकते इसलिए भारतीय शिक्षा मुक्ति देती है मुक्ति किसकी होती है जो मालिक होता है जो स्वयं को जान लेता है वो मुक्त होता है जो अपना व्यवसाय शुरू करता है वो मुक्त होता है जो व्यवस्थाओं का निर्णय लेने में सक्षम होता है वो मुक्त होता है लेकिन भारत की व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में तो किस प्रकार की मुक्ति ये आप मुझे बता दीजिए मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको बताऊँ आप किसी भी वाइस चांसलर से मिल लीजिएगा जो कि हमारी एजुकेशन में किसी संस्थान में हायर पोजीशन होती है हाईएस्ट पोजीशन। किसी वाइस चांसलर से पूछेंगे तो मालूम है उसके दो चीज़ें जानना नंबर एक कि जब वो शासन में जाता है तो एक क्लर्क के सामने कैसे गिड़गिड़ाता है कि सर के साथ अपॉइंटमेंट हो जाए और मेरा ये काम हो जाए जहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा मुखिया एक क्लर्क के सामने गिड़गिड़ाता हो वो मुक्ति आपको दे पाएगा क्या पहली बात और दूसरा कि जो हाईएस्ट एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी असंतुष्ट लालच और बेचैनी का जीवन जीता हो वो दूसरों को शांति क्या दे पाएगा इस प्रकार की शिक्षा ना मोक्ष देती है ना इस प्रकार की शिक्षा शांति देती है ना इस प्रकार की शिक्षा जीवन को सार्थक बनाती है और जो जीवन को सार्थक ना पाए बना पाए आप उसको शिक्षित कहना चाहते हैं इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि अंग्रेज़ों ने जो ये हमारी हड्डी तोड़कर एक नकली इसके अंदर लोहा या सरिया डाल दिया है और हम ऊपर से पॉलिश करके बार बार अब इधर दर्द हो रहा है तो चलो एक पेन किलर लगा देते हैं इधर से कुछ निकल आया तो चलो यहाँ पट्टी कर देते हैं ये काम हम लोगों ने अपनी अपनी एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से किया एजुकेशन पॉलिसी केवल पॉलिश का काम करती है उस बीमारी को उस जड़ को जहाँ से गुलामी निकलती है उसको कभी हमने खोद के बाहर नहीं किया इसलिए शिक्षा व्यवस्था में पॉलिसी बदलने से काम नहीं होता है उसका एक सिस्टम होता है कि इस प्रकार की व्यवस्था हो जहाँ पर मनुष्य ऐसा जैसा अपनी क्षमताओं के साथ न्याय कर सके उसके लिए उसको तैयार करना है जब अपनी क्षमताओं के साथ आप न्याय करेंगे तो आप उठ खड़े होंगे और मैं आनंद की बात बता दूं, इतने सालों की गुलामी के बाद भी आज इतना लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं ये इस भारत की मिट्टी पानी और हवा का कारण है कि आप कितना भी हमको दबा लीजिए लेकिन हम लोग दब नहीं सकते हैं ये मिट्टी अपने आप खड़ा होती है और तैयार करती है विवेकानंद को इसलिए आप और हम सबको मिलकर इस विषय में जानना होगा कि यदि नंबर एक कि ये हमारी जो खा खोखलापन है एक व्यक्ति को एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कराते हैं दो साल लगाते हैं फिर अगला करिए फिर दो साल लगाते हैं आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस सिलेबस को तीन सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री तीन महीने में लेनी हो तो आप मुझसे संबंध कर संपर्क करिए दो साल के अंदर बारह विषय में आप पूरी दुनिया के किसी मंच पर खड़ा होकर बोल सकते हैं और ये भी नहीं कहेंगे कि हमारे सिलेबस में ये था कि नहीं था ये भी बड़ा बहाना चलता है इसलिए इन लोगों को बस भटका के कैसे रखना है इसलिए ना तो विषय हमारे हैं ना व्यवस्था हमारी है इसके लिए सबसे पहले ये जानना है कि जिन सोलह विषयों की चर्चा हम लोगों ने रखी है उन सारे सोलह विषयों को सबके लिए कंपलसरी किया जाए जिस दिन ये सारे कंपलसरी हो जाएंगे उस दिन के बाद चाहे वो अंतरिक्ष हो चाहे वो पृथ्वी हो या वो वायु हो सारी दिशाओं की समझ हमारे अंदर होगी और सारी दिशाओं का काम हम लोग कर सकेंगे जब हमको अपने काम से अलग कर दिया जाता है स्वभाव से अलग कर दिया जाता है तब हमारे अंदर खोखलापन आता है और ये याद रखना चाहिए कि ये जितने भी ये टेस्ट होते हैं हम लोगों के ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एंगेज करके उलझाए रखने का एक फॉर्मूला है ये आज आपको सी यू ई टी का देना है आज आपको नीट का देना है आप लोगों को ये करना है मेरे कम से कम सत्तर लाख लोग भारत में तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए और बाद में पता चलता है कि सत्तर हजार का सिलेक्शन होता है बाकी केवल इस तनाव में कि मेरी तैयारी में कमी रह गई उनको ये नहीं मालूम है कि यह उलझाने का षड्यंत्र था कि मुझे लेने ही इतने हैं आपके बेशक कितने भी योग्य क्यों ना हो इसलिए आज भी हम लोगों को नंबर एक ये जो सुप्रीम शब्द है हमारे संविधान में जिसको हम कहते हैं संप्रभुता संपन्न के जो राष्ट्र अपने निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं लेने की क्षमता रखता हो वो संप्रभुता संपन्न कहलाता है लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स बाहर के देशों के द्वारा थोपे जाते हैं 2008 में एक ऐसा शिक्षा मंत्री था भारत का जो कि अमेरिका गया इतना सारा पैसा भर के लाया उसकी पत्नी मांस का व्यापार करती है अमेरिका के साथ नाम जानते होंगे 2008 में कौन शिक्षा मंत्री था उसको एक ऑनरेरी डॉक्टरेट दी इतना पैसा दिया और उसको एक ही बात कही कि भारत में राइट टू तो एजुकेशन लागू करनी है क्यों करनी है ये आपको मालूम है क्यों क्योंकि आप चौदह साल के हो जाए तो उसके बाद आपकी यदि उम्र इतनी है तो छठी क्लास में आप लोगों को एडमिशन देना ही है किसी को फेल करना ही नहीं है और उसके बाद जुडिशरी में कौन लोग आए हमारे पास सारे के वो लोग जिन्होंने इंग्लैंड में रह के पढ़ाई की वहाँ की कल्चर में रहे और उन्हीं के नियमों को यहाँ पर आदेश के तौर पे पारित करवाते हैं जिसमें ना बच्चों को कुछ कहना है हाँ इतना ज़रूर है कि पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है ये सारे के सारे जुडिशरी काम हमारा कर पाते इसलिए उस मुक्ति से हम लोगों उन बीमारियों से यदि मुक्ति चाहिएगी तो एक आंदोलन इस व्यवस्था के लिए होगा और हम सब इसके साथ खड़े हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत बहुत ही जल्दी वो पाठ्यक्रम भी देखेगा और वो बदलाव भी देखेगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी जिससे हिंदू राष्ट्र खड़ा हो सके अपने आप को जान सके जय हिंद जय भारत धन्यवाद जगदीश जी स्वयं अनेक इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर होने के पश्चात भी आपने शिक्षा का वास्तविक अर्थ मुक्ति है ऐसे जो बताया है वो वास्तव में कितना सत्य है कि आज वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति में ना तो सनातन है ना भारतीय इतिहास है ना ज्ञान है ना वैदिक विज्ञान है और ना ही भारत ही है तो हमारा जो प्राचीन गुरुकुल परंपरा है जिसमें चौदह विद्या और चौंसठ कला यानी सिक्सटी फोर कला सिखाई जाती थी तो हिंदू जन जागृति समिति सनातन संस्था साथ ही यहाँ उपस्थित सभी हिंदुत्ववादी संगठन शिक्षाविद इन सभी का ये सपना है और एक प्रकार का प्रण है कि ये प्राचीन गुरुकुल परंपरा हम पुनः भारत में प्रतिस्थापित करेंगे हिंदू राष्ट्र में ये गुरुकुल परंपरा अवश्य ही चलाई जाएगी धन्यवाद चौधरी जी अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अजीत चौधरी जी भी हमारे साथ यहाँ व्यासपीठ पर उपस्थित हैं हम पहले उनका परिचय जान लेते हैं महाराष्ट्र के डॉक्टर अजीत चौधरी जी आप यशवंतराव चौहान पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं महान संत पूजनीय ढेकने महाराज जी से आपने शक्तिपात दीक्षा प्राप्त की कॉलेज के विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति निर्माण करने के लिए आप निरंतर कार्यरत रहते हैं आप स्वयं भी धर्माचरण करते हैं आपकी विशेषता है कि आपके महाविद्यालय महा महाविद्यालय में जो विद्यार्थी राष्ट्रगीत गाते नहीं थे तो उन्हें वो गाने की आदत आपने डलवा दी साथ ही संस्कृत भाषा का प्रबोधन हो इसके लिए आपने कर्नाटक के मत्तूर गांव में जाकर 500 शिविरों का आयोजन किया है ये वही मत्तूर गांव है जहां पर ग्रामस्थ संपूर्ण संस्कृत भाषा बोलते हैं संस्कृत भाषा संवर्धन एवं उसके लिए समाधान योजना इस विषय पर उद्बोधन करने के लिए मैं डॉक्टर अजीत चौधरी जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें यमीशम शिवमित्तमोचन यम वैष्णवा विष्णु स्तुवती बुद्धस्तता अर्णी अकालेति सत्स्रीय कालेक्सन शास्तेति केचि कुमारः स्वामीति माते पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीशितारम स एक प्रभुरद्व शैव जिनको शिव के नाम से पूजन करते हैं वैष्णव विष्णु के रूप में स्तुति करते हैं बुद्ध जिनको बौद्ध जिनको बुद्ध के रूप में पूजित करते हैं तथा जैन जिनको अरहन के रूप में पूजते हैं इतना ही नहीं जिनको सिख संत सत्स्री अकाल के नाम से जानते हैं ऐसे सबके प्रभु एक ही है जगदीश्वर ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करके मैं इस वाग यज्ञ का आरंभ करता हूँ सर्वप्रथम इस सभा में उपस्थित संत स्वरूप चित शक्ति को मैं सादर प्रणाम करता हूँ तथा मंचासीन महानुभावों को अभिवादन करता हूँ जिनको इस हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए चुना गया है ऐसे आप सबको धर्मवीरों को भी मैं प्रणाम करता हूं विशेष रूप से जो किसी भी वार्ता में सत्य का अन्वेषण करते हुए समाज में स्थापित करते हैं ऐसे मेरे वार्ताहर भगिनों तथा मीडियाकर्मी को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारी इस वैश्विक महोत्सव में लाखों लोग ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हैं दृक माध्यम से भी जुड़े हैं वह भी हिंदू धर्मनिष्ठ को मैं प्रणाम करता हूं जब जब धर्म को ग्लाणी हुई तब तक धर्म की पुनर्संस्थापना के लिए मैं अवतरित हूंगा ऐसा वचन देने वाले भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर की लीला मैं अल्पमति होने के कारण समझ नहीं पा रहा हूं आज से 400 साल पहले इन्हीं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में अवतरित होकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करी अस्सी साल पहले जब हिंदू धर्म को ग्लानि गिरी तब हिंदू राष्ट्र दृष्टा के रूप में पूजनीय स्वातंत्रीर सावरकर के चित्त में तथा डॉक्टर बलिम हेडगेवार के रूप में यही चित्त शक्ति कार्य कर रही थी और आज जब पुनः एक बार हमारा हिंदुत्व घोर संकट में आ गिरा है ऐसे वक्त पर परात्मर गुरु श्री अठोलोजी के संकल्प से माध्यम से यह शक्ति आज भी कार्यरत है मैं भगिनी तथा बंधु मैं विचारपूर्वक हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना की बात कर रहा हूं मैं हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है और अनादिकाल तक हिंदू राष्ट्र रहेगा पिछले पांच दिनों से हम हिंदू राष्ट्र की के लिए विभिन्न अंगों पर चिंतन कर रहे हैं तथा जनों का मंतव्य सुन रहे हैं उसी परिवेश में चर्चा से आगे बढ़कर वास्तव में अगर कुछ करना है तो क्या करना होगा हिंदू राष्ट्र की पुनर्संस्थापना के लिए कौन से साधन हैं जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति में सिद्ध हो सकते हैं ऐसे ही कुछ संसाधनों में एक प्रभावी संसाधन है वह है हमारी भाषा हमने गत पक्ष पाँच दिनों में देखा कि हिंदू राष्ट्र पुनर्संस्थापना के लिए तीन महत्वपूर्ण अंग है तीन महत्वपूर्ण स्तंभ है प्रथम स्तंभ है धर्म शिक्षण तथा धर्म जागरण का द्वितीय स्तंभ है धर्मरक्षण का और तृतीय स्तंभ है हिंदू जन ऐक्य का क्या हमारी भाषा इन तीन प्रमुख अंगों को सह्यभूत हो सकती है तो इसका उत्तर है हाँ हो सकती है पर कौन सी भाषा यह हमारी भूमि अनेक भाषाओं से सुसज्जित है सुशोभित है फिर कौन सी भाषा तो वह भाषा है सुरभाषा देवभाषा संस्कृत भाषा आज की परिस्थिति में जब भाषा निहाय प्रांत रचना हो चुकी है तो वर्तमान परिस्थिति में केवल एक ही भाषा ऐसी है जो सबको स्वीकार्य होगी वह है सभी भारतीय भाषाओं की जननी सुरवाणी संस्कृत भाषा यह सुरवाणी सभी को अपने आप में सरहदय समा सकती है न केवल यह संभालेगी बल्कि हिंदू राष्ट्र की पुनर्संस्थापना के तीन ही अंगों को यह पुष्ट भी करेगी हम एक एक स्तंभ की ओर इस भाषा के योगदान का महत्व समझते हैं प्रथम स्तंभ है धर्म शिक्षण जब बात धर्म शिक्षण की आती है तो हमारे संस्कृति में जो भी संस्कार है जो आचार है जो व्यवहार है इस विषय में जो मार्गदर्शन उपलब्ध है उसका मूल हमारे वेदों में है उपनिषदों में है धर्म ग्रंथों में है गीता में है और हमारी सर्व सर्वसनातन धर्म ग्रंथ संस्कृत में ही है अतः अगर हमें धर्म शिक्षण देना है तथा वास्तव धर्म शिक्षण को खुद जानना है तो हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अवश्य भावी होता है जब हम द्वितीय स्तंभ की बात करते हैं धर्मरक्षण तब हम जब तक अपने धर्म को स्वरूप को खुद ही नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इस धर्म के अंगों का इस धर्म का रक्षण भी कैसे कर पाएंगे अतः हमें धर्मरक्षण के लिए भी संस्कृत भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है इससे आगे बढ़कर जब हमारे धर्मस्थलों में विधर्मियों द्वारा आक्रमण हो रहा है उसे न्यायालयीन न्यायालयीन प्रक्रिया के द्वारा संवैधानिक मार्ग से अगर हमें निरस्त करना है तो हमारे अधिवक्ताओं को आधार है सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथों का इस बात का प्रमाण हम अयोध्या केस में देख चुके हैं ज्ञानवापी केस में भी देख रहे हैं हमारे अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी तथा रामभद्राचार्य जी महाराज जिन्होंने रामायण के तथा धर्मग्रंथों के आधार पर यही हमारी राम जन्मभूमि है यह सिद्ध किया वह इन्हीं ग्रंथों के आधार पर किया था इसीलिए धर्म रक्षा के लिए वास्तव में हमें हमारी संस्कृत भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है सबसे महत्वपूर्ण अंग है हिंदू जन ऐक्य का विभिन्न परंपराओं से सुशोभित सप्त सिंधु से लेकर सिंधु सागर तक बसी हुई हमारी भारत भूमि हमारी देव भूमि, यह हिंदू राष्ट्र विभिन्न परंपराओं को अगर किसी ने एक सूत्र रूप में माला के रूप में पिरोया है तो वह है हमारी संस्कृत भाषा चाहे आप किसी भी प्रांत के हो चाहे किसी भी संप्रदाय के हो चाहे आप किसी भी नगर में रहते हो या विश्व में कहीं भी रहते हो विश्व में कहीं भी रहने वाले हिंदू हो आपके जीवन के हर अंग में संस्कृत भिन गई है आपके रक्त में संस्कृत का संचार है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संस्कार किए जाते हैं उनका मूल आधार संस्कृत ग्रंथों में उद्धत दिव्य मंत्र ही तो है जिस बंधन में जिस बंधन को हमारी संस्कृति में सात जन्मों को निभाने का वचन है वह बंधन भी संस्कृत भाषा से ही तो है इतना ही नहीं हमारे दैनिक आचरण में प्रातः काल से लेकर निद्रा तक हम संस्कृतमय हो चुके हैं अनायास ही हम काल में उठकर कर कराग्रह वसते लक्ष्मी कहते हैं तो निद्रा में जाते वक्त हम या देवी सर्वभूतु निद्रा रूपेण संस्थिता ऐसा उद्घत करते हैं भले ही मैकैल ने हमारी शिक्षा पद्धति से तथा हमारी व्यवहार से संस्कृत को अलग किया हो परंतु हमारे जीवन में अभी भी संस्कृत भाषा अभिन्न रूप से अंगीभूत है क्या हम केवल भावनात्मक दृष्टि से संस्कृत भाषा का आग्रह कर रहे हैं अभी तो संस्कृत भाषा के व्यवहार्य उपयुक्तता भी विज्ञान मान चुका है मेरे बंधु से मैं विनती करना चाहूंगा कि वो स्लाइड शो दिखाए आज विश्वविद्यालयों में चल रहे शोध कार्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि आज के संगणक युग में संगणक के लिए अगर कोई सर्वोत्तम भाषा है तो वह केवल संस्कृत ही है आपके सामने स्क्रीन पर आई ई एक्सप्लोर में पब्लिश हुए एक पेपर के बारे में हम बता रहे हैं ऐसे अनेकों पेपर आपको दर्जनों पेपर मिल जाएंगे आई ई एक्सप्लोर अपने आप में एक प्रतिष्ठित पब्लिशर्स है जहाँ पे जो रिसर्च बहुत ही जेन्यून होते हैं सही में किए जाते हैं उन्हीं का पब्लिकेशन होता है और आई ट्रे ट्रिपली एक्सप्लोर पर अगर कोई पेपर पब्लिश करना होता है तो साल दो साल भी लगते हैं अतः है? जरा ज़ूम कर पाएंगे आप फर्स्ट फर्स्ट पेज पे हाँ वो हेडिंग इज संस्कृत द मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यह आर्टिकल आर ट्रिपल ही एक्सप्लोर पर पब्लिश हुआ है और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में इसको माना भी है ऐसा ही और इसमें एब्सट्रैक्ट में, में आइए जरा रिजल्ट में नहीं उसी स्लाइड पर यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट में कहा गया है कि संस्कृत लैंग्वेज ही लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऐसा इस एब्सट्रैक्ट में कहा गया है उसी के बाजू ऑक्सफोर्ड में पब्लिश किया हुआ दूसरा एक पेपर है यहाँ पे समय अभाव के कारण हम ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाएंगे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड में जो टू और संस्कृत वर्ड वर्डर पार्सर बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है ये ये सभी प्रतिपादित करते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा वास्तव में विज्ञान के अनुकूल है न केवल अनुकूल है उपलब्ध भाषाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत है उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम अगर कहते हैं कि रामा गोस् टू टेम्पल इंग्लिश में और शब्दों की हेरा फेरी करते हैं तो अर्थ पूर्णतः भिन्न हो जाता है टेम्पल गोस्ट टू रामा अर्थ बदल गया गोज टेम्पल टू रामा फिर से अर्थ बदल गया लेकिन अगर यही बात मैं संस्कृत में कहता हूं राम मंदिरम गच्छति और मैं शब्दों की हेराफेर उसकी जगह भी बदलता हूँ गच्छति राम है मंदिरम तो भी वही अर्थ निकता है मंदिरम राम है अगर बोलता हूँ तो वही वही अर्थ निकलता है इसीलिए यह संस्कृत की श्रेष्ठता है कृपया दूसरी स्लाइड पर आइएगा ज़रा इस स्लाइड को गौर से देखिएगा बहुत मज़ेदार स्लाइड है आज हमारी अवस्था ठीक इसी चित्र में दिखाए हुए व्यक्ति की तरह रहा है, जिसके पास साधन तो है पर उसके प्रयोग के ज्ञान के अभाव में वह अज्ञानता तथा समस्या की दीवार लांग पाने में असफल है इस तरह क्या हम लांग पाएंगे हमारे पास ज्ञान विज्ञान तंत्रज्ञान हमारे वेदों में भरा पड़ा है फिर भी हम किसी यूरोपियन कंट्री की तरह देख रहा है किसी यूरोपियन देश को देख रहा है पाश्चिमात्य देश को देख रहा है कि ये हमें ज्ञान दे ये हमें तंत्र ज्ञान दे क्या आप जानते हैं जब हम बिग बैंग एक्सपेरिमेंट करके सृष्टि कैसे निर्माण हुई ये जानना चाहते थे पर हजारों साल पहले हमारे ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पन्न सृष्टि की उत्पन्नता का वर्णन किया गया है हमारा पुरुष उत्तः इसका प्रमाण है क्या आप जानते हैं कि सूक्त में देवता के माध्यम से दिव्य शस्त्रों अस्त्रों तथा उपहारों को प्राप्त करने की पुष्टि करी गई है अग्निमणे पुरोहितम्स मृतविजम होता अग्निशुक्त का पहला ही श्लोक है अथर्ववेद में कायाकल्प की बात कही गई है कायाकल्प यानी जेंडर चेंज आज जो जेंडर चेंज की बात चल रही है वो हमारे हजारों साल पहले सुश्रुत और वागभट जी ने कही है अथर्ववेद में चरक और सुश्रुत संहिता में कुंभज यानी टेस्ट ट्यूब बेबी इसका भी उल्लेख मिलता है और मैं आपको प्रमाण भी दिखा दूंगा क्या हमारे प्राचीन मंदिर केवल प्रार्थना स्थली रही है या धर्म की स्थली रही है नहीं अभी तो हमारे सारे प्राचीन मंदिर शिक्षा और तंत्रज्ञान का केंद्र रही है उदाहरण के तौर पर मैं कुछ रोचक स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा पुराने मंदिर प्राचीन मंदिरों की जो भी सारे स्लाइड्स हैं वो हमारे मित्र श्री प्रवीण मोहन जी के आ, कार्य से हमें प्राप्त हुए हैं वो एक है बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि प्राचीन मंदिरों में छुपी तंत्रज्ञान वो निकाल रहे हैं उन्हीं के सौजन्य से मुझे ये चित्र प्राप्त हुए हैं अगली स्लाइड क्या है अब ये कुछ दो मिनट दो ही मिनट अगले कुछ दो मिनट में हम थोड़ा सा बात भी करेंगे अब आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्या है गम्बूट बोलते हैं हम इसे है, है? गम्बूट है ये गंबूट के बारे में गूगल क्या कहता है अगली स्लाइड ये विकीपीडिया है विकीपीडिया में बताया गया है कि यह वेलिंगटन बूट है बूट है इसका नाम वेलिंगटन बूट है क्योंकि वेलिंगटन नाम के आदमी का इसका शोध किया था और सौ साल पहले किया था यह हमें विकीपीडिया बता रहा है गूगल बता रहा है जरा अगली स्लाइड यह हो सालेश्वरा मंदिर है जो बेंगलुरु में है और 1120 में इसकी स्थापना हुई थी आज से 1200 साल पहले 1200 साल पहले यह मंदिर मैं क्यों दिखा रहा हूं अगली स्लाइड इस मंदिर में ये एक आकृति है ये मूर्ति है जरा मूर्ति की तरफ जरा प्यार से देखिएगा आपको क्या दिखाई देता है कुछ दिखाई देता है हम आपकी सहायता करते हैं अगली स्लाइड आपकी सहायता के लिए उसको रंग दिया गया है क्या है गंबूट जिसको हमारा विकीपीडिया सौ साल पहले वेलिंगटन में शोध किया ऐसा बताता है वह 1200 साल पहले हमारे मंदिरों में खुदा हुआ है आगे और भी रोचक तत्व है जरा आगे की ओर चलिए क्या है स्लीपर चप्पल अच्छा शोध किसका किसने किया पहले तो हमारे लोग हमारे ऋषि मुनि हमारे तपस्वी खड़ाऊ पहनते थे यही हमको मालूम है ये हमारे पास होगी नहीं होगी हमको मालूम नहीं है विकीपीडिया क्या कहता है देखिए विकीपीडिया कहता है कि ये 800 साल पहले चाइना में सर्वप्रथम खोजी गई थी कुछ रोचक तथ्य आपको बढ़ाता है अगली स्लाइड प्लीज यह अंकुर मंदिर है जो 1130 में बना हुआ है कंबोडिया में 250 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है इसकी दुर्दशा तो हो ही रही है लेकिन इस मंदिर में अगर हम आगे जाते हैं और कुछ मूर्तियों का निरीक्षण करते हैं अगली स्लाइड कुछ दिख रहा है चलो आपकी सहायता करते हैं अगली स्लाइड 1200 साल पहले यह मूर्ति की अगर कार्बन डेटिंग आ करते हैं तो 1200 साल कार्बन डेटिंग साइंटिस्ट ने प्रूव करी है ये नहीं कि हम बिना तथ्यों के आधार पे बोल रहे हैं आज हम बता रहे हैं आपको प्रूफ बता रहे हैं प्रमाण दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो हमको बताया जा रहा है गूगल के माध्यम से बताया जा रहा है विकीपीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है हमको भ्रमित किया जा रहा है ये सब हमारा ही चुराया हुआ है और हम जब इसको पोस्ट करते हैं हमारे प्रवीण मोहन जी जब इसको पोस्ट करते हैं तो ये वीडियो डिलीट किया जाता है यूट्यूब से यह एक बड़ा षडयंत्र है चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं ये एक लक्ष्मी वेंकटेश्वरा मंदिर है 280 में बना हुआ था नियर अबाउट एक साल पहले का है इसके कुछ रोचक तथ्य है लेकिन हम आ, समय की मर्यादा के कारण इसमें नहीं जाएंगे अगला स्लाइड ये भी एक मंदिर है अब इसके बाद में जो कुछ मूर्तियाँ दिखाने जा रहा हूँ वो इन्हीं मंदिरों से ली हुई है अब मैं विशेषतः किसी का उल्लेख नहीं करूँगा आगे चलिए क्या है बंदूक ये तो यूरोपियन लेके आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग लेके आए थे और इन्हीं बंदूक की वजह से हम प्लासी की लड़ाई गवा बैठे ऐसा इतिहास हमको पढ़ाया जाता है अगर मैं आपको बता दूं हाँ कितने साल पहले की बात है जरा जहां पे ये क्या है उसको ज़ूम कर पाएंगे आप कितने साल पहले की बात है बारहवीं शताब्दी में इसका अन्वेषण हुआ है ऐसा हमको विकीपीडिया बताता है अब मैं आपको अगली स्लाइड दिखाना चाहूंगा देखिए यह जो मूर्ति है ये 1800 साल पहले की है नीचे आज का चित्र दिखाया हुआ है और उसी परिवेक्ष में हमारी मूर्ति भी दिखाया गया है जो बंदूक को साफ करने की विधि है क्या उससे मेल खाती है आगे जरा इन मूर्ति को भी थोड़ा गौर से देखिएगा कुछ देख पा रहे हैं यह भी 1300 साल पुरानी मूर्ति है थोड़ी सी हम भी आपकी सहायता करते हैं आगे लीजिए ये जूम किया गया क्या है और नीचे के चित्र में अगर आपको कोई मन में शंका हो तो हम अगर किसी पर निशाना साधते हैं तो एक आग बंद करते हैं वो एक बांध आग बंद कर वाली मूर्ति वहां पे दिखाई गई है यह व्यक्ति उस घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति पर निशाना साध रहा है एक हजार तीन सौ साल पहले हमारे भारत में तंत्र ज्ञान मौजूद था चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यह जो मूर्ति पाई गई है यह 1400 साल पहले की है इसकी कार्बन डेटिंग की गई है आपको सभी तथ्य मिल जाएंगे इंटरनेट पर अवेलेबल है इस मूर्ति में जो दिखाया गया है शरीर के अंतस्थ अंगों को दिखाया गया है जिस तरह से हम आज की लेबोरेटरी में मॉडल खड़े करते हैं और छात्रों को पढ़ाते हैं कि यह, यह शरीर की अंतर्रचना है 1300-1400 साल पहले हमारे ऋषि मुनि यह लोगों को पढ़ाते थे हम तंत्रज्ञान में भी शरीर विज्ञान में भी सबसे आगे थे चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यह क्या है फर्टिलाइजेशन फलन की प्रक्रिया जिससे गर्भ जन्म लेता है स्पर्म और ओव्यूल जिसको शुक्राणु और स्त्री बीज का फलन कहा जाता है ये तो हाल ही में पता लगा होगा है ना क्योंकि हम तो यह नहीं जानते होंगे तो चलिए विकीपीडिया क्या बोलता है देखेंगे जरा झूम करेगा करेंगे आप कब का है तीन सौ साल पहले तीन सौ आराम से 300 साल पहले इसका शोध किया गया अगर मैं आपको बता दूं कि ये 1800 साल पहले से हमारे लोगों को पता है अगली स्लाइड प्लीज नीचे दिखाया हुआ चित्र आज रेजोनेंस से लिया गया चित्र है और ऊपर का जो चित्र है हमारे मंदिर में किया गया मूर्ति कला है जिसमें वह शुक्राणु भी दिख रहा है और वह स्त्री बीच भी दिख रहा है थोड़ा सा आगे की स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पे भी और स्पष्ट हो जाता है और ये कोई सिर्फ एक मंदिर में नहीं है चार मंदिरों के चित्र यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं आगे की स्लाइड भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे भी वही दिखाया जा रहा है आगे की भी स्लाइड दिखा सकते हैं यहाँ पे भी वही दिखाया जा रहा है।, है हजार से दो हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को सिर्फ ऋषि मुनियों को नहीं जो यहाँ पे कर्मचारी थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया ऐसे हमारे कर्मिकों को भी इतना गहन ज्ञान था तो हमारे कपिल मुनि कनाद मुनि सुश्रुत मुनि वाग्भट ये तो एकदम साइंटिस्ट ही हो गए है ये मानना चाहिए इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं जरा थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं मैं पांच मिनट में खत्म कर देता हूं विषय गंभीर है तथा महत्वपूर्ण भी है और मुझे कल ही का आयोजन समिति ने कहा गया है कि दो विषय महत्वपूर्ण है और उसी दो विषय को एकत्रित कीजिए इसीलिए थोड़ा सा समय से आगे हम जा रहे हैं अगली स्लाइड ये हमारे मंदिरों के पिलर पर खुदे हुए जब गर्भ बढ़ता है माता की गर्भ में तो उसके एक से दो होते हैं दो से चार होते हैं ये जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है वो खुद के दिखाए हुए है आगे चलिए गर्भ में बालक की कैसी अवस्था है बिना सोनोग्राफी के हमारे लोगों ने दिखाई है वो सोनोग्राफी का भी वीडियो है वो नहीं बताएंगे हम आगे चलिए जो अब अब अभी मैंने उल्लेख किया था कि कुंभज टेस्टिव बेबी ये उसका वास्तविक प्रमाण है जरा झूम कीजिएगा वो मूर्ति की तरफ वो महिला खड़ी हुई है और उसके सामने उस कुंभ से निकला हुआ एक बालक दिख रहा है और यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है हमारी नाथ परंपरा से तो कान से भी पुत्र प्राप्ति हुई है और उस आपको तो पता ही है आगे आगे लीजिए इससे भी आगे लीजिए स्लाइड नंबर 31 पर आ सकते उनचालीस पर आ सकते हैं आप सीधा सोनोग्राफी का था हाँ ये जरा रोचक दिखाइए मोबाइल डेढ़ ज़्यादा ज़्यादा पचास साल पहले मोबाइल्स सा आए होंगे हमारे भारत में तो पिछले बीस साल में आए स्लाइड दिखाइए आगे की चलिए आगे चलिए जरा मूर्ति को ज़ूम करके दिखाइए सभी मूर्तियों को देखो मैंने साथ में हम जिस अदा में फोन पर बात करते हैं हमारी भाव मुद्रा क्या होती है वह भी नीचे दिखाई हुई है और ठीक उसी भाव मुद्रा में यह मूर्तियां भी टेलीफोन पे बात कर रही है 1300 साल पहले की बात है आगे चलिए टैबलेट आगे चलिए आगे चलिए यह है फ्लाइंग जेट फ्लाइंग सूट आदमी उड़ने की कोशिश कर रहा है यह वास्तव में आ चुका है इसके प्रयोग हो चुके हैं विकीपीडिया बताता है आप जरा विकिपीडिया बताइए क्या बताता है कि 1917 में पहली बार फ्लाइंग सूट बनाया गया ऐसा विकीपीडिया बताता है हम आपको 1400 साल पहले की एक मूर्ति दिखाते हैं यह वो मूर्ति है ये भगवान विष्णु की मूर्ति है थोड़ा सा आपकी सहायता करते हैं अगली स्लाइड लीजिएगा यह जो है थोड़ा सा झूम अगर कर पाएंगे आप तो वो जो टर्बाइंस आपको दिख रहे हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्या झूम कर पाएंगे वो नीले नीले कलर में जो दिख रहे हैं वो टर्बाइंस है चित्त शक्ति से सूक्ष्म शक्ति से तो हम आकाशगमन कर ही सकते थे लेकिन स्थूल तत्व पर भी हमारे लोग आकाशगमन कर सकते हैं इसका यह प्रमाण है यह हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है आगे की स्लाइड पे आइएगा हम जब भी गरुड़ की बात करते हैं गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन था वो उड़के जाता था थोड़ा सा अगली स्लाइड दिखाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह जो कलर्ट किया हुआ पोर्शन है वो भी एक टर्बाइन है हमने हमारे मंदिरों को विज्ञान के केंद्र के रूप में देखना सीखा ही नहीं हम सिर्फ हाथ जोड़ते थे घंटा बजा के वापस आते थे लेकिन हमारे धार्मिक जितने भी प्राचीन स्थल है वह केवल धार्मिक या प्रार्थना स्थल नहीं थे वह अपितु विज्ञान और तंत्र ज्ञान का केंद्र थे यही हम प्रतिपादित करना चाहते हैं आगे बढ़िए अब थोड़ा ये स्किप करके वो डॉक्यूमेंट्स uh, है ना वर्ड फाइल उसको अब थोड़ा अलग परिवेक्ष में संस्कृत भाषा की उपयुक्तता जानेंगे अब दो ही मिनट है दो ही मिनट है हाँ ज़रा इसको जूम कीजिएगा और जूम कीजिएगा क्या है हम नहीं समझ पाते क्योंकि उर्दू में है इसका भाषांतर बताइएगा पहले दो ही लाइन बताइएगा ये उसका भाषांतर है वो उर्दू संदेश उनके सारे ग्रुप में फैला हो रहा है और उस भाषांतर में उन्होंने लिखा है सभी जाति पेशों के काम में हमें बारीकी से प्रवेश करना है प्रत्येक छोटे व्यवसाय को अपना हिंदुओं से कुछ मत खरीदिए ऐसा वो आम तौर पे लिखते हैं क्योंकि हम वो भाषा नहीं जानते तो इस आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या हम संस्कृत को भी कोड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते अगर वो या इलाह कह के हमारी भावना को आघात कर सकते हैं तो क्या हम मंदिर के लाउड स्पीकर में एको धर्मो सनातनों हिंदू राष्ट्रम दधैव च नास्तिकों भी अन्य धर्मो अन्य सर्व अनित्य च ऐसा नहीं बोल सकते वाकई में आगे बढ़ते हैं और समारोह करते हैं तो हम इस संस्कृत भाषा का संवर्धन करने के लिए क्या कर सकते हैं इस बात पर चार मुद्दे आपको बता सकता हूँ सर्वप्रथम उपाय तो है इस भाषा को संस्कृत भाषा को हमारी व्यवहार भाषा बनाना होगा अगर हम संकल्प करें कि इसके बाद जिस भी हिंदू परिवार में कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो उस उसकी मातृभाषा हम संस्कृत भाषा लिख सकें अपने बालकों को अपनी मातृभाषा के विद्यालयों में ही दाखिल कराना होगा ना कि कोई इंग्लिश मीडियम में शिक्षा को पद्धति को गुरुकुल की पद्धति में हमें बदलना पड़ेगा यह सब साध्य करने के लिए हम क्या कर सकते हैं केवल दस दिन में हम जो कोई भी सीखना चाहता है उसे संभाषण वर्ग द्वारा संस्कृत बोलना सिखा सकते हैं यद्यपि कॉपी इच्छति दश केवलम केवल भवता सर्वे संस्कृत संभाषण पाठयाम इसके अलावा संस्कृत भाषा का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पत्राचार द्वारा भी संस्कृत आप सीख सकते हैं मैं आज इस मंच से हिंदू जन जागृति समिति तथा संस्कृत भारती की ओर से यह प्रतिपादन करता हूँ कि न केवल इस हिंदू राष्ट्र में बल्कि इस हिंदू विश्व में जिस किस को भी अगर संस्कृत भाषा का अध्ययन करना होगा सीखना होगा तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नाटक में मत्तूर नाम का एक गांव है जो संस्कृत ग्राम है गूगल पर उसके वीडियोस अवेलेबल है वहां पे आम आदमी भी संस्कृत भाषा में बात करता है वो आप देख सकते हैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को श्री गुरुचरणों में समर्पित करता हूं और एक बार घोषणा देंगे जय तू जय तू जय तू जय तू वंदे भारत माता की आर्य सनातन हिंदू धर्म की धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर अजीत जी अजीत जी आपको सुनकर ऐसा लगा कि आगे हमें से किसी को भी कुछ ज्ञान प्राप्त करना होगा कुछ प्रश्न होगा तो हम हमें से कोई भी गूगल नहीं करेंगे आपको फ़ोन करेंगे और ये भी आपने हमें बताया कि विज्ञान पढ़ने के लिए लोग भारत को छोड़कर विदेश जाते हैं और हमारे यहाँ मंदिरों की एक एक कीट में दुनिया भर का विज्ञान समाया है तब हम मंदिरों को भी इसी दृष्टि से देखेंगे वो दृष्टि देने के लिए हम आपको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ऐसे ही और एक बहुत ही महान शिक्षाविद आज हमारे बीच में हैं श्रीमती मीनाक्षी शरण जी हम उन्हें भी सुनेंगे तत्पूर्व उनका परिचय जान लेते हैं श्रीमती मीनाक्षी शरण जी अयोध्या फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं आप एक हॉस्पिटलिटी एंटरप्रनर हैं संस्कृत और इतिहास की शोधकर्ता भी हैं विभिन्न वेदों और शास्त्रों में आपने सरस्वती सभ्यता एवं पवित्र नदी सरस्वती के महत्व पर शोध कार्य किया है विभाजन के समय जो भी नरसंहार हुआ उसकी भीषणता आप सभी के सामने रखते हैं नरसंहार हुए हिंदुओं के लिए सामूहिक तर्पण का आयोजन भी आप कर रही हैं इतना ही नहीं तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत का संरक्षण और प्रचार भी आप करती हैं जब कोविड का गंभीर काल आया था तब आपने सैकड़ों हिंदू विस्थापित शरणार्थियों के परिवारों को नियमित रूप से राशन दिया कंबल साइकिल इत्यादि देकर उनकी सहायता की मैं मीनाक्षी शरण से अनुरोध करती हूँ कि सनातन धर्म की पर्यावरण के अनुकूल दृष्टि इस विषय पर हमें संबोधित करें नमस्कार हिंदू राष्ट्र के इस महाकुंभ में आए सभी को मेरा प्रणाम गुरुओं को चरण स्पर्श पूरे विश्व में केवल एक ही सभ्यता ऐसी है जो 1400 वर्षों से निरंतर अपने हिंदू अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है तो उन्नीस में आक्रांताओं से मुक्त होने के बाद क्या वो हिंदू नहीं रह जाती हिंदू राष्ट्र की मांग करोड़ों हिंदुओं ने हिंदू धर्म और हिंदू धरती इस पावन धरती के लिए सालों साल अपने प्राणों की बलि दी अपने प्राण नछावर किए तो क्या वो धरती आक्रांताओं के लिए उनके वंशजों के लिए दो टुकड़े कर दिए जाने चाहिए थी और दो टुकड़े हो जाने के बाद या कई टुकड़े हो जाने के बाद हमारी सभ्यता हमारी, आ, सामारा हमारी हमारा संविधान हमारी भाषा हमारा ध्वज क्या ये सब उन आक्रांताओं के वंशजों के लिए डाइल्यूट कर देना चाहिए था भारत हिंदू है हिंदू उसकी जो सनातन सभ्यता जो सनातन धर्म है उसकी जो विचारधारा है जो हमारी परंपराएं हैं उसके कारण वो हिंदू है और वो हिंदू ही रहेगा वो सदा हिंदू ही रहेगा और ये परंपराएं जो हमारे ऋषियों ने हमारे मुनियों ने वेदों में हमारे पर्यावरण का या ब्रह्मांड का या सृष्टि का गहन अध्ययन करके दायित्व के रूप में हमें सौंपी वो परंपराएं क्या आज जीवित हैं या कितने घरों में जीवित हैं जिस सब्जेक्ट पे मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ हम जितनी भी समस्याओं की बात कर रहे हैं जो हिंदू फेस कर रहे हैं आज चाहे आप लव जिहाद की बात करें चाहे आप मंदिर मुक्ति की बात करें मंदिर हमारे हमें क्या सिखाते थे उसकी बात करें आप हलाल की बात करें आप जिस भी समस्या या जिस भी सब्जेक्ट की बात करें उन सब के आधार के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ और आप पहला स्लाइड दे दीजिए उसके लिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मैंने एक अबाउट साढ़े चार सौ शब्दों की एक साढ़े चार सौ पृष्ठों पृष्ठों की एक किताब लिखी है जिससे मैंने कहा है कि एंशियंट फ्यूचर यानी कि पूरी दुनिया का जो फ्यूचर है वो केवल सनातन के हाथों में ही है केवल सनातन के हाथों से ही सुरक्षित हो पाएगा जिसमें मैं आई थिंक वहाँ पर लेटर्स बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देती हूँ आपके लिए कि बहुत विस्तार से मैंने इसको लिखा है और मैं प्रयास करूँगी कि कुछ स्लाइड्स में आपको कुछ थोड़ा बहुत झलक इसकी बता पाऊँ तो आ, सबसे पहले जो हमारा वैदिक कल्चर था जो हमारा वैदिक एग्रीकल्चर था वो कैसा था और किस तरह संपन्न था और कैसा वो इंटरडिपेंडेंट था क्या हमारा इकोसिस्टम था वो वर्सेस द जो आ, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसने कैसे बर्बादी करी हमारे सारे धरती की हमारे पानी की फिर फॉरेस्ट और एग्रो एग्रोफॉरेस्ट्री कैसी थी हमारे देश में लाइफ स्टॉक जो वैदिक इकोनॉमी थी वो कैसी थी हमारे देश में वाटर हार्वेस्टिंग, हर सब्जेक्ट फैशन यहाँ तक कि फैशन कपड़े ब्यूटी जो बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें जो बिल्कुल आज तलवार बन के हमारे सर पर लटकी हैं जहाँ हम बिल्कुल विपरीत हैं हमारा जो सनातन है या जो हमारे शास्त्रों ने हमें कहा उसके विपरीत हैं तो मैं थोड़ा सा आपको उसके ऊपर जो है थोड़े कुछ स्लाइड डाल के कुछ पॉइंट्स क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा इतने से समय में जिससे आपको ये पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सेकेंड वन आई थिंक ये बहुत मुझे नहीं दिख रहा बाकी स्क्रीन पे इज इट वे इज द स्क्रीन हाँ ओ स्मॉल तो मुझे मुझे लगता अच्छा दिख रहा है ओके ठीक है तो देखिए कि मतलब यहाँ तक कि जो आज सोलर एनर्जी का जो भूत चढ़ा हुआ है मतलब उसको बहुत विस्तार से मैंने किया है और शीघ्र ही ये किताब आने वाली है और इसका मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि भारत की सारी भाषाओं में जो है इसका अनुवाद हो और बहुत सी चीज़ों के प्रति आपको जागृति आएगी इसको पढ़ के जिससे कि बहुत कुछ हम हम हर स्टेप चलने के पहले अपने जीवन में बहुत गहन विचार कर पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं हमारी जो रोज़ का जो हमारा वो है इसमें ये देखिए कि जब पर्यावरण की बात होती है तो वॉट डज इट मीन इट सेस कि परी और आवरण माने हमारे आसपास जो कुछ भी है एवरी थिंग दैट इज अराउंड अस तो एक हमारे उपनिषद में क्या कहा गया ईसा वाद्यम इदम सर्वम यत किंच जगत जगत तेन तक तेन भुंजिता माघ विधनम यानी कि हम आदिकाल से हमें ये पढ़ाया गया हमें ये बताया गया कि हर तत्व में ब्रह्मव्याप्त है आप सब इंटरडिपेंडेंट हो आपको को करना है किसी को भी कोई अधिकार नहीं है किसी और प्राणी का जो अधिकार है सारे की सारी, सारी धरती पर सारी प्रकृति पर उसकी संपदा पर सभी को अधिकार है और आपको मनुष्य को उसको केवल अपने लिए उसका संरक्षण करने अपने लिए उसका संग्रह करने का अधिकार नहीं है तो हमारी बेसिक प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो थॉट प्रोसेस और जो माइंडसेट हम लेके चल रहे हैं जिन दो पंथों का वो दोनों के पंथ ये है कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है यानी मैन इज सुप्रीम और बाकी जो कुछ भी है इस पृथ्वी पर वो उसके उपयोग के लिए बना है तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है विश्व में ऐसी कोई कोई सभ्यता नहीं है जो प्रतिदिन मंदिर में घर में लाखों लोग हर रोज कहते हैं सर्वे भवंतु सुखिन जो कहते हैं सर्वे शाम स्वस्थिर भवतु सर्वे शाम पूर्णतम भवतु यानी कि आप एक चींटी का भी आप एक पत्ते का भी आप कामना करते हो कि उसको भी पूर्णता प्राप्त हो तो ये विचारधारा जो लेकर के नहीं चलता है आप उसके विरुद्ध तो हमें शास्त्रों ने एक और चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि हमें बहुत से दायित्व सौंपे गए पर्यावरण के थ्रू जैसे मैंने कहा कि ये बीच का धागा है शास्त्र पूरे के पूरे सृष्टि ब्रह्मांड और पूरे के पूरे पर्यावरण के आसपास ही घूम रहे हैं हर बात हर विचार वहीं से निकलता है वहीं आता है और शास्त्रों पर प्रश्न उठाना इज नॉट अलाउड क्योंकि शास्त्र इज प्रश्न प्रमाण आप उसके सॉरी इट्स शब्द प्रमाण आपको जो कहा गया है आपको उसी का पालन करना है तो हमें मैं इस यहाँ से भूत यज्ञ से इस बात को स्टार्ट करना चाहूँगी कि भूत यज्ञ का दायित्व भी, भी हमें दिया गया यहाँ जो उपस्थित हैं वो या जो सुन रहे हो लाइव वो केवल अपने घर में झांक करके देखें कि कितने घरों में भूत यज्ञ यानी कि गौ के लिए चिड़िया के लिए चींटी के लिए भोजन निकलता है तो इसको हमें कहा जाता है कि अरे कौए को खिलाने से क्या तुम्हारे पितरों को मिल जाएगा चीटी को खिलाने से क्या होता है दक्यानुसी हो दक्यानुषी हम नहीं है दक्यानुषी वो बुद्धि है जो इन इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट ऋषियों की इकोलॉजी की जो साइंस है उसके ऊपर प्रश्नवा प्रश्न चिन्ह लगाता है सो आई थिंक वी कैन गो टू द थर्ड स्लाइड यहाँ अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी ताकि मैं समय के अंदर जितना कर सकूँ तो विश्व के 72 परसेंट क्रॉप जो है वो पॉलिनेशन पे डिपेंड करता है यानी कि आपको चिड़िया चाहिए आपको तितली भंवरा बीटल्स ये सारे के सारे आपको एनिमल्स इंसेक्ट्स और बर्ड जो है वो चाहिए यदि ये नहीं होंगे तो आपकी क्रॉप जो है वो डैमेज होगी अब जैसे कहा कौए का तो एक तो जिस समय श्राद्ध पक्ष आता है उसके प्रजनन का समय एक दूसरी बात एग्जाम्पल ऑफ अ वृक्ष क्योंकि उसका जो बीज है वो बहुत टाइनी है जो अंदर से निकलता है वो ऐसे अंकुरित नहीं होता वो उसकी विष्टा उसके ड्रॉपिंग से ही वो अंकुरित होता है तो इट इज़ ऑलरेडी प्री जोिनेटेड इट इज़ अ सीड जिस समय वो इसीलिए हर घर पे कौए को खिलाना मैंने पूरे भारत में जगह जगह पहले देख लीजिए जगह जगह वटवृक्ष हैं जो आपको अब नहीं दिखते वो कैरेक्टर जो है आपके शहरों का और गाँव का गायब होते जा रहा है फॉर्दर डेवलपमेंट क्योंकि आप पेड़ काटते जा रहे हो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी चाइना का नाइनटीन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन की बात है जब माओ डिजोंग ने ये डिसाइड किया कि ग्रेट लीप जो चाइना के हम पढ़ते हैं कि उसने कहा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और हम जो है पंद्रह साल में ब्रिटिश ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे बहुत डिटेल्ड है आई विल जस्ट टेल यू द मेन पॉइंट तो उसकी थ्योरी ये कहती थी कि एक चिड़िया एक दिन में कम से कम एक साल में कम से कम साढ़े चार किलो अनाज खा जाती है तो चिड़िया को एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है तो उन लोगों ने ऐसा कैंपेन चलाया जहाँ ऑर्गेनाइज ग्रुप्स बहुत बड़े बड़े लाखों की तादाद में जा कर के पेड़ों के नीचे भुगुल बजाते थे थाली बर्तन बजाते थे और उन्होंने डेढ़ सौ फ्री शूटिंग साइट्स बनाई जहाँ पे बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि उड़ती हुई चिड़िया को मार दो विद इन नो टाइम उन्होंने वहाँ से जो गोरैया थी और मैनी बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गई अब चिड़िया क्या करती है क्योंकि चिड़िया जो है बहुत से इंसेक्ट्स को खाती है बहुत से लार्वे खाती है अपने बच्चों को खिलाती है वो क्या कर रही है यानी कि वो अनचेक्ड जो पॉपुलेशन है उसको चेक कर रही है ऐसे ऑर्गेनिजम्स और ऐसे कीड़ों के पॉपुलेशन को चेक कर रही है तो उसके ना होने के कारण एक जो लोकस होता है लोकस का पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वो सॉम आया उसने उनकी पूरी की पूरी फसल जो है वो डैमेज कर दी उसके पहले वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में पेड़ काट ही चुके थे और बहुत पॉइजनस केमिकल्स डाल ही चुके थे तो सूखा पड़ गया जो आप आ, कहेंगे द ग्रेट फेमैन ऑफ चाइना 1959 टिल 1961 उसके पहले चाइना काफ़ी सात्विक था हमारी तरह भोजन करता था आपने देखा होगा उनके साधु संत जो है ट्रैवल करते थे हमारी यूनिवर्सिटीज़ को सो उस समय ऐसा समय आ गया कि वो भूखों मरने लगे और भूखों मर के वो उन्होंने पहले पत्ते पेड़ की छाल ये सब कीड़े मकोड़े जो चलती हुई चीज़ जो रेंगती हुई चीज़ थी उसको खाना स्टार्ट कर दिया और उधर से ये ट्रेंड चालू हुआ कि चाइना जो आज सब कुछ खाता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ थैंक्स टू द पॉलिसी ऑफ स्मैश स्पैरो ने कहा था और उसने ये कहा था ह्यूम्स विल फाइट नेचर एंड विन इट ये सर पटक लो सर के बल खड़े हो जाओ ना कभी मनुष्य प्रकृति से लड़ सकता है और ना कभी उसको जीत सकता है क्योंकि उसके बस की बात नहीं तो जो सारी बातें जो सारे विषय जो आप लोग शेयर कर रहे हैं वो इस किताब के अंदर वो फैशन मूर्तियाँ वो सारी चीज़ें आई हैव पुट दैम इन डिटेल मैं थोड़ा आगे चलती हूँ तो एक और चीज़ है कि चिड़िया जो है एटलीस्ट पाँच टन इंसेक्ट्स प्रति ईयर खाती है पूरे विश्व में तो आप समझ लीजिए कि वो जो इको है वो खुद से ही उस इकोलॉजी को बैलेंस करके रखती है कि कौन रहेगा कि कितना रहेगा तो हम में से कितने लोग चिड़ियाओं को खाना खिला रहे हैं थर्ड स्लाइड पे आ जाइए एक चीज़ और चिड़िया के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बर्ड जो आज हम हमें नहीं दिखती है मेरा सौभाग्य है मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी आप मेरे घर आएंगे 25-26 तरह की आपको चिड़िया मिलेंगी तो वो वो है कि आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा वो इको आपको क्रिएट करना पड़ेगा तो वो जो चिड़िया है चिड़िया इज़ द इंडिकेटर ऑफ इट्स अ बैरोमीटर वो इंडिकेटर है कि आपका पर्यावरण कैसा है यदि चिड़िया है तो पर्यावरण ठीक है यदि चिड़िया नहीं है तो एवरी इन नेचर चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो कीड़े मकोड़े हों चाहे वो जो हों मतलब समथिंग इन इज़ इन ग्रेट ट्रबल सो आपको वो वाला दिख रहा है क्या स्लाइड जिसमें हमने कितनी बर्ड्स थी और कितने गायब हो गए थर्ड स्लाइड इज इट विजिबल स्लाइड थ्री कि आउट ऑफ़ 11,500 स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड ये मोटा मोटा है उसमें से एक सौ तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं 230 थर्टी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं फोर भी एंडेंजर्ड हैं और 800 हंड्रेड आर वल्नरेबल एंड हंड्रेड एंड एट हंड्रेड थाउजेंड एंड एटीन आर थ्रेटनड चलिए आते चीटियों पे कितने घर में चीटियों को भोजन दिया जा रहा है कौन दे रहा है फिर हम हम जब बात करते हैं कि लफ्ज याद की कितने घरों में हमारे बच्चे ये संस्कार कहाँ कहाँ कनेक्शन है उनका प्रकृति से कहाँ कनेक्टेड है वो तो आगे जब आएंगे हम गो पे तो उस पर बात करेंगे इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा वी कैन वॉट इज़ द स्लाइड नंबर हियर सो एटी परसेंट स्पीशीज जो है ब्रह्मांड में वो इंसेक्ट्स है ठीक है और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का ऑपोजिशन अपोज कैसे करना है आज बहुत से किसान बहुत सी जगहों पे कर रहे हैं मैंने बहुत डीप उस दो दो तीन चैप्टर्स के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर था और क्या था वो सब जानते थे वो क्रॉप रोटेशन जानते थे वो जानते थे कि आपने जब गेहूं उगाया है तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो अगली फसल जो है वो दालों की लगाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी तो इस तरह का बहुत मतलब ह्यूज डिटेल हैव पुट उनको ये पता है पानी कहाँ निकलेगा कि वो Uh, कब कब बरसात आएगी किस तरह की फसल किस समय लगानी चाहिए एग्रोफॉरेस्ट्री में कौन से पेड़ों के साथ छाया में कौन से पौधे रह सकते हैं ऑल दैट डिटेल उनका प्रोटेक्शन उनका पेस्ट कंट्रोल विद नेचुरल हर्ब्स एंड ऑल दैट वो सब उन्होंने डिटेल में लिखा है तो uh, जो हमारी चींटी है टर्माइट है यानी दीमक है अर्थवॉम है आज आप uh, वैदिक क्या कहते हैं उसको जैविक खाद बना रहे हैं अर्थवॉर्म डाल डाल करके पहले तो आपने सारा कुछ बर्बाद कर रहा ना यू आर क्रिएटिंग इट तो वो सॉइल को एरिएट करते हैं और इसीलिए आप अपने घर घर में जो है चीटियों को देते थे भोजन क्योंकि आपके घर के आसपास भी जो धरती है वो आ, पानी सोखने की एबिलिटी उसमें पैदा होगी क्योंकि वो एरिएट हो जाएगी और ग्राउंड कवर पैदा होगा ज़रूरी नहीं कि आपने बड़े पेड़ लगाएँ ग्राउंड, ग्राउंड कवर पैदा हो जाएगा ग्राउंड कवर पैदा होने से वाटर टेबल जो है वो धरती का अच्छा रहेगा सो so, ऐसे इट दर्ज अवज डिटेल दैट ऑफ पुट बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताती हूँ आपको कि कैसे कुछ शास्त्रों में क्योंकि बहुत सी आ, सारे ग्रंथों में बहुत सारी डिटेल्स हैं तो जम्बू आपको पता है जम्बू फ्रूट जो होता है जिसे रोज एप्पल कहते हैं तो एक खाली मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ उसका कि यदि जम्बू द्वीप के सॉरी जम्बू फ्रूट के पेड़ के ईस्ट में तीन हाथ की दूरी यानी 18 इंच 18 इंच इंटू अठारह इंच तीन हाथ की दूरी पर यदि आपको टर्माइट का माउंट दिख रहा है तो उसका जो साउथ है साउथ के कुछ आपको नीचे जाना है दो पुरुष ये कहते हैं हाइट दो पुरुष माने उस समय का साढ़े छः हाथ यू कॉल साढ़े छः फुट टाइप्स मान लीजिए विद हैंड्स रेस्ड आप तो उतने मैंने पंद्रह फुट नीचे आपको मीठा पानी मिलेगा दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड इस तरह के डेढ़ों एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने वो किताबों में डाले हैं तो उनको इस तरह की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी देवर ऑल वेरी एडवांस्ड फिर बहुत से जो कोई uh, कीड़े मकोड़े हैं जो प्रे हैं किसी को प्रे करते हैं कोई खुद प्रे हैं मतलब किसी को खाते हैं जिससे कि वो इकोसिस्टम मेनटेन रहता है गौ चारे की बात पे आ जाते हैं हम कितने कितने बच्चे हैं जो गौ को भोजन खिलाते हैं या चारा देते हैं आज एटलीस्ट द अर्बन चिल्ड्रन यदि आप ये करते तो आपको करुणा होती प्रेम होता जो बच्ची आपकी गौ को रोज़ चारा खिलाएगी उसके सर पे हाथ फेरेगी वो कैसे किसी जिहादी के लव जिहाद में फंस सकती है कैसे उसको उस वो कॉन्सेप्ट उसके गले के नीचे उतरेगा कि ये जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ उसको काट के खा रहा है हम अपने बच्चों को आपने देखा है कभी एजुकेशन की भी बात हो रही है आपने कभी देखा है कि क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को काउ इज रेस्ड और रियर्ड फॉर मिल्क एंड मीट एंड लेदर ये पढ़ रहे हैं स्कूल में आज भी और यही पढ़ के ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं यही पढ़ के पॉलिटिशियंस बन रहे हैं फोर्थ स्लाइड पे आइए तो आज जो है आप विश्व का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर हो क्यों क्योंकि ये करुणा है ही नहीं वो कौन है हिंदूज ही है ना लागू कौन कर रहे हैं पॉलिसीज़ यदि ये आपने आज भी स्टार्ट कर दिया तो आपके एटलीस्ट आने वाली जो जनरेशन हैं उनको तो समझ में आएगी कि व्हाट आर दे डूइंग फोर्थ स्लाइड पे कैन यू सी तो मैंने यहाँ पे आपको एक दो श्लोक दिए जहाँ पे ये क्लियर बोला गया है कि फोर्थ स्लाइड प्लीज मनुस्मृति का आपको दिख रहा होगा श्लोक दिख रहा है मीन आई विल टेल यू कि भारत में 2021 और 22 में 11 लाख 751 नो no, 11 लाख 75,193.2 मैट्रिक मेट्रिक टन बीफ वर्थ 24,613.24 करोड एक्सपोर्ट हुआ है जिसके लिए कम से कम तीन करोड़ बुल्स को जो है पर ईयर स्लॉटर किया गया यानी एटलीस्ट वन लैख पर डे ये आपके धर्म आपके शास्त्र और आपकी विचारधारा के विरुद्ध है आपके शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते बाकी जो काटे मारे जा रहे हैं उसके अलावा क्या आपने कभी सोचा कि आप ये जो पाप अपने सर ले रहे हैं एज अ कंट्री क्या जो व्यथाएं हैं हमारी क्या कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन नहीं है जो हम दुखी हैं या हम जिस भी चीज़ से दुखी हैं क्या ये कनेक्टेड नहीं है और जबकि बीफ प्रोडक्शन के लिए आपको कम से कम ट्वेंटी टाइम्स ज़्यादा लैंड चाहिए एटलीस्ट ट्वेंटी टाइम्स मोर ठीक है तो चाहे वो श्वान को यानी डॉग को खिलाना हो आज आप कुत्तों से डर रहे हो कुत्ते पकड़वा दो ये हो गया रोज़ सोशल मीडिया में आ रहा है इस तरह की चीज़ें अब आप ये देखिए कि हिंदू जो है उसको अन्नदान का दायित्व है लेकिन आज भी यूरोपियन नेशंस एक लाख करोड़ डॉलर पर डे का भोजन जो है वो लैंडफिल्स में और समुद्र में डालते हैं जबकि कूड़े में जा रहा है जो कि थ्री बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है और दुनिया के कम से कम दो सौ करोड़ लोगों का पेट भर सकता है एंड देन द ट ऑफ हंगर एंड द टॉक ऑफ माल नरिशमेंट इन द वर्ल्ड इन द स्मॉलर कंट्री इन द डेवलपिंग नेशंस और खुद क्या कर रहे हैं और हम उसको मान रहे हैं ठीक है तो ये जो सारी बातें हैं आप एक बार मैं किसी को सुन रही थी कुछ ही दिनों पहले की बात है एक बुक लॉन्च पर तो एक मंत्री जी ने कहा किसी बात पर उन्होंने कहा कि स्लाइड फिफ्थ करिए उन्होंने कहा कि बात तो सही है ठीक है आप लोग शास्त्रों की बातें करते हैं शास्त्रों की बातें करते हैं लेकिन जो मॉडर्न क्वेश्चन हैं पहले तो खाली वीमेंस राइट right की बात होती थी आज तो ट्रांसजेंडर की भी बात होती है आज तो आ, क्या कहते हैं उसको रोबोट्स के राइट्स की भी बात हो रही है तो आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे ओके सो माय हमारे पास तो पौधे का भी अधिकार है हमारे शास्त्रों को तो पौधे का भी अधिकार है आपको मानुषोकम कुरुषत्म स्थान त्यागम माँ करूँ मम इष्ट पूजनाया अर्थ प्रार्थयामी वनस्पते आप एक पौधे से पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पण करने के लिए तोड़ने की भी परमिशन मांगते हो उसको हाथ जोड़े बगैर आप उसका पुष्प नहीं तोड़ सकते एटलीस्ट ये सब चीजें घर जाके बच्चों को बताइए ये आचरण में लाइए है ना कि जब आप सुबह उठे तो करागरे वस्ते लक्ष्मी आपने जब धरती पे पैर रखा तो समुद्रवस ने देवी आप जब ऊपर गए तो आप बाहर गए तो आपने जाकर सूर्य को प्रणाम किया जल दिया आपने जब पेन उठाया तो आपने सरस्वती जी को याद किया ये सारी परंपराएं जो आपको शास्त्र दे गए ये आपने छोड़ी और बहुत कुछ है तो अब आप ये देखिए कुछ मैं आपको दिखाती हूँ ये भी आप कर सकते हैं जो पेड़ों को काटना हमारे यहाँ सख्त मना है सख्त मना है लेकिन आज ये रैमपेंट दो लेन की चार लेन चार लेन की छः लेन छः लेन की आठ लेन आठ लेन की बारह लेन पॉपुलेशन चाहिए बढ़ रही है ओवरब्रिज चाहिए ये चाहिए आप जिस तरह से पेड़ काट रहे हो और आप हमको लॉलीपॉप देते हो कि इतने पेड़ लगाए गए कौन देखने गया वो पेड़ कितने लंबे हुए कितने बड़े हुए चले कि मर गए दूसरी बात वो जो पेड़ धरती के तक तह तक जा जा कर के जड़ पकड़ के बैठे हैं उनको कैसे रिप्लेस करोगे और कब रिप्लेस करोगे कभी कहते हैं कि आप यू नो वी कैन ट्रांसप्लांट पहली बात तो होता नहीं है ट्रांसप्लांट जब होता भी है तो पेड़ नहीं चलता है दे आर वेरी वेरी फ्यू वेराइटीज जो चल सकती हैं ये सारी डिटेल आपको बुक में मिलेगी तो आपको शास्त्रों ने एक पीपल दस इमली तीन कैथा एक बेल तीन आमला पांच आम अपार्ट फ्रॉम सम अदर प्लांट्स ये अनिवार्य किया है अपने लाइफ टाइम में हर हिंदू को हर हिंदू को ये किया गया है गोवर्धन पूजा कौन कर रहा है कितने बच्चे कर रहे हैं कितने परिवार कर रहे हैं परंपराएं, लाइक आई सेड देर इज़ नो डिफरेंस हमारे लिए पर्यावरण धर्म और जो हमारा आचरण देर इज़ नो डिफरेंस आप लव जिहाद रोते ही रहेंगे आप हलाल बीफ ये सब रोते ही रहेंगे क्यों अगर आपको करना है जैसे तीन जनरेशन पहले बर्बाद हुई अगर आपको आगे की जनरेशन ठीक करनी है तो यह भी शुरू कर दीजिए राइट नाउ देर इज़ नो टाइम यू कॉन्ट वेस्ट अपने बच्चों से आप ये शुरू करा दीजिए यू आर ऑलरेडी वेरी लेट सिक्स स्लाइड पे आ जाइए अब ये बताइए मुझे कि जब हम जो हमने शॉर्ट में अभी समझा कि पर्यावरण हमारे शास्त्रों के हर लाइन में रग रग में है उससे इंडिपेंडेंट नहीं है तो जो uh, वेस्ट है वो कब जागा ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ जार्गन्स इसके लिए कब जागा 1984 डू यू नो पहला कमीशन कब बैठा 1984 में नींद खुल रही है कि ये वो हो पोल्यूशन हो रहा है वो uh, क्या कहते हैं उसको वो कॉल ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अगर समय रहा तो आई विल टेल यू कि ये किस तरह के जार्गन्स और किस तरह के एड्स बना करके आपके जैसे आपने कहा कार्बन फुटप्रिंट एक एग्जाम्पल उसको आगे चल के बात करती हूँ यदि समय मिला तो कार्बन फुटप्रिंट ऐसा बोल करके आपको ये डिसाइड करवा दिया आप पे थोप दिया अरे प्लास्टिक की बॉटल में पी रहे हो ये प्लास्टिक की ग्लास में पी रहे हो ये कर रहे हो लेकिन वो प्लास्टिक बना कौन रहा है ब्रिटिश पेट्रोलियम बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज ठीक है और उन्होंने ये एड्स बनाई हैं तो आप पेट्रोकेमिकल्स तो बंद कर नहीं रहे सबसे बड़ा धंधा दुनिया का और आप हमें कह रहे हो कि मैंने एक ग्लास फेंक दिया मैंने ट्रैवल किया मैंने यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल किया तो मेरी इतनी आ, क्या कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट हो गई सो ऑल दैट तो ये ज्ञान जो भारत इतनी पीछे क्यों क्यों सोच सो रहा है क्योंकि ये सब परंपराएं यदि मैंने फॉलो करी होती मेरे बच्चों को पढ़ाई होती आज भी पढ़ा दूँ तो मेरे ब्यूरोक्रेट्स यही करेंगे तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है बॉस मेरे तो शास्त्रों में पहले से लिखा है शुरू से लिखा है कि आप तीन आचमन जल लोगे पूरे कलश में से केवल वही लोग हैं क्योंकि वही आपकी आवश्यकता अनुसार आपके लिए ज़रूरी है बाकी का सारा सृष्टि के कलश में जो जल है वो सृष्टि के अन्य प्राणियों के लिए छोड़ना है सो कमिंग टू दिस फिर नाइनटीन में हमारे यहाँ पे जो आ गई ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति पिटफॉल्स बहुत सारे हैं मैं कुछ पॉइंट्स खाली उसके बता देती हूँ ये इफ यू कैन सी रॉक फेलर फाउंडेशन एंड फोर्ड फाउंडेशन ने इसको फंड किया था और पारंपरिक खेती का जो सिस्टम है उसको नष्ट कर दिया था सिक्स स्लाइड है ऑन ऑन टॉप ठीक है ये मुझे मत दीजिए मुझे केवल दो तीन मिनट का समय दे दीजिए मैं <laughs> हाँ क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरा वार्म अप हो होता है तब तक ये आगे मुझे दो मिनट का वो दिखा देते हैं <laughs> तो मैं क्विकली आपको सारे स्लाइड्स दिखा देती हूँ और उसी के ऊपर हम मोटा मोटा बात कर लेते हैं कि हम जो है पेस्टिल ने दर्द दिया है तुम्हें दवा देना ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाले हैं ये पहले तो सीड्स को मॉडिफाई करके हमें बेच रहे हैं इन्होंने कम से कम सत्तर परसेंट प्रजातियाँ बीज की दुनिया की मिटा दी बीजों की मोनोपोली कर ली वो बायर और वो चार पांच कंपनीज जो आप यहाँ देख रहे होंगे वही बीज बीज मॉडिफाई करते हैं और मोनोपोली कंट्रोल करते हैं वही आपको फर्टिलाइज़र देते हैं इस खेती में ये इस, इस समय जो है ये फसल अच्छी हो गई अगले समय ये फर्टिलाइज़र ये एक पेस्टिसाइड काम नहीं कर रहा इस बार अग, इस अगली स्ट्रॉन्ग और वो आपको कैंसर की भी दवाइयाँ बनाते हैं क्योंकि वो कैंसर भी देते हैं आपको आपका पंजाब से एक ट्रेन चलती है वन फोर परसेंट और समथिंग है हमारी जोग्राफी का पंजाब लेकिन भारत की ट्वेंटी परसेंट पेस्टिसाइड पंजाब में यूज़ होती है एक ट्रेन चलती है अबोर से जोधपुर तक अबोर टू जोधपुर जिसमें सिक्सटी परसेंट पेशेंट्स कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो बीकानेर जा रहे होते हैं अपने इलाज के लिए तो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी यही बेचेंगे तुम्हें ना दर्द दिया तुम्हें दवा देना या सो so, एक आप यू विल बी सरप्राइज हम लोगों के पास एक लाख दस हज़ार से अधिक चावल की वैरायटी थी आज कितनी है गिन लीजिए आठ दस गेहूँ हमें कभी भी पढ़ा हमने कि गेहूँ तो था ही नहीं था बिल्कुल था और बहुत सारा था लो ग्लाइट इंडेक्स इंडेक्स यू नो हाई प्रोटीन एंड मतलब ब्यूटीफुल वैराइटीज़ वो सारी खत्म हो गई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो गई हमारी मैं आपको जल्दी जल्दी दो चार स्लाइड्स दिखा करके उनका शॉट थोड़ा सा वो दे देती हूँ इंडस्ट्रियल फॉर्म ये नेक्स्ट आप थोड़ा सा ले लीजिए एक खाली स्लाइड को पढ़ लीजिए बस सात वाला भारत पूरी दुनिया की तीस परसेंट जो लैंड है वो एनिमल फार्मिंग और फॉर्डर को उगाने के लिए होती है यूज़ हो रही है थर्टी परसेंट ऑफ द लैंड डायरेक्टली खेती करो ना डायरेक्टली खिलाओ हुँ? तो तीन पॉइंट टू के जी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस जस्ट फॉर वन के जी ऑफ चिकन मीट एक के जी बीफ के लिए साठ किलो कार्बन डाइऑक्साइड एक किलो लैम के लिए बीस किलो एक किलो पोल्ट्री के लिए छः किलो कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें आपने जो जबीज़ अमेरिका से उससे क्या क्या सीख लिया और जो इंडस्ट्रीज चाहे वो हमारे देश की हों टबैको जैसे कि टबैको के डब्बे पे लिखा है कि इट इज़ इंजरियस टू हेल्थ वो जानते हैं कि आपको एडिक्शन भी होगा वो ये भी जानते हैं कि आपको कैंसर भी होगा लेकिन वो बेचते हैं ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैंने पूरा आयुर्वेद तो बहुत डिटेल लिखा है उस किताब के अंदर तो ऐसे ही आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसे ही आपको फूड इंडस्ट्री जानते हुए कि आपको किस किस चीज़ से नुकसान हो सकता है किस किस चीज़ से आपको बीमारियाँ हो सकती हैं और यदि इतना ही एडवांस साइंस है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है फिर आज के तारीख में ज़्यादा बीमारियाँ क्यों हैं ज़्यादा कैंसर क्यों है ज़्यादा डायबिटीज़ क्यों है ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स क्यों हैं और ये एट छोड़ दीजिए बस जस्ट अनदर टू मिनट्स एक और चीज़ कि खेती का आपको और अगर जानना है अपनी किताबों के अलावा अपने शास्त्रों के अलावा तो आप ये भी जान सकते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम फाइव ट्राइबल्स हैं जो अभी भी जंगलों के अंदर छुप छुप के रहते हैं जिनका आपसे कोई लेने देना नहीं है और वो प्रिजर्व करके रखे हैं उन्होंने 3000 से अधिक जो है वैराइटीज़ प्रिजर्व करके रखी हैं जो फूड की तरह यूज़ करते हैं 300 से अधिक प्रिजर्व करी हैं जो वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं पाँच या कुछ है जो वो फ़ाइबर के लिए यूज़ करते हैं तो पैकेजिंग इंडस्ट्री जो ये पेड़ काट काट के चीज़ें बना रही है और प्लास्टिक बना रही है सो आई थिंक इट इज़ इट इज़ टू यूज मैं मर्यादा थोड़ी सी मुझे करना चाहिए फॉलो uh, बहुत बड़ा है एक खाली आप ये um, कुछ दिखा दीजिए क्योंकि मंदिरों की बात हुई थी तो जो अंतिम स्लाइड है उस पर ज़रा आ जाइए इको सेंट्रिक मार्वल्स दैट स्टिल स्टैंड टल कैन यू सी इट या ओके सो so, यहां पे खाली क्योंकि मंदिरों की बात हुई तो मैं यहां पे आकर के बीच का ओमिट कर दे रही हूं अभी हाल फिलहाल तो आपकी जो कंक्रीट इंडस्ट्री है इट इज अ नेक्सस कंक्रीट सैंड इट इज अ नेक्सस इट इज मोर पॉल्यूटिव मच मोर पॉल्यूटिव देन प्लास्टिक इज कम से कम दुनिया का दस परसेंट पानी जो है वो कॉन्क्रीट इंडस्ट्री यूज करती है ठीक है और आपके मंदिर ये जो देखिए खड़े हैं इनमें कोई कंक्रीट नहीं है ये तो मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स लिए हैं आज भी खड़े हैं और कितने आक्रमणों के बाद कितने सारे ध्वस्त या आधे टूटे मंदिर भी खड़े हैं क्षतिग्रस्त ग्रस्त मंदिर भी खड़े हैं लेकिन आपकी बिल्डिंग तो एक कुछ आता तो ढह जाती है तो कंक्रीट का भी एक बहुत बड़ा नेक्सेस है आई थिंक वी विल नीड मोर डिस्कशन ऑन दिस क्योंकि इट्स अ ह्यूज बुक एक दो पॉइंट्स खाली और कपड़े जो आप पहन रहे हैं एक बार ध्यान देखिएगा uh, अगर प्योर सूती या प्योर सिल्क नहीं है तो 70 परसेंट प्लास्टिक पहन रहे हैं आप और आप जो है बहुत बड़ा धरती का और आने वाली जनरेशन का नुकसान कर रहे हैं क्योंकि वो हज़ारों वर्ष जब आप उसको डिस्कार्ड करेंगे तो वो धरती से नहीं मिटेगा हम सूती पहनते थे और खड्डी से उतरता है कपड़ा हम उसको लपेट लेते हैं अलग अलग तरीके से चार मीटर छः मीटर नौ मीटर अलग अलग तरीके से नो स्टिचिंग नो, नो वेस्टेज नो वेस्टेज उसी की पगड़ी बांधते हैं उसी का हम जो है धोती बांधते हैं उसी की हम साड़ी पहनते हैं कोई सिलाई नहीं कोई कुछ नहीं और उसको काट काट करके भी यूज़ करते जाते हैं उसके टुकड़े टुकड़े फिर भी हमें कंजूस कहा जाता है लेकिन हम उसका मैक्सिमम यूज़ कर रहे थे और अंत तक वो जब धरती में मिलता है क्योंकि वो प्लांट का ओरिजिन है तो वापस से वो प्लांट ही बन जाता है तो ये जो है फैश चाहे फैशन इंडस्ट्री हो चाहे कुछ हो ये सारे सब्जेक्ट इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में किया है आई थिंक uh, मुझे अब इससे पहले कि कोई मुझे फिर से <laughs> कहे तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं उसको पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई जितना कर सकती थी और जितना करना चाहिए था बट कभी और कहीं और हम इस पर करेंगे और शीघ्र ही किताब जब आएगी तो आप सब उसे प्रयास करिए और उससे भी अधिक ये इम्पोर्टेंट है कि जो दो चार पॉइंट्स भी यदि मैंने कहे कि उसको अपने घर में रिवाइव कर लीजिए अपनी प्रथाओं को घर में रिवाइव कर लीजिए अपने बच्चों के लिए रिवाइव कर लीजिए मैं बहुत ही अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैं वो कर पाई अपने जीवन में अपने आचरण में और अपने बच्चों के आचरण में भी ये कर पाई कहीं से भी कोई मेरे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठा करके ये नहीं कह सकता कि मेरा आचरण मेरा जीवन और मेरा जो भी है कुछ वो कहीं प्रकृति से धर्म से या आ, मेरे देश से विरुद्ध जा रहा है तो इसलिए हम आज जो है जिन नए नए जो आते हैं उबलना शुरू करते हैं हमें आके धर्म का ज्ञान बांटने लगते हैं तो मैंने हमेशा यही कहा कि ये वेव चल रही है हिंदुत्व की वेव इसके ऊपर राइड कर रहे हैं अपने आप को एक्सपोज करेंगे आपके सामने एक आदि पुरुष का एग्जाम्पल है तो यहाँ से सनातन की जागृति यहाँ चाहिए अपने शास्त्र पढ़िए ये बैठे हैं ज्ञानी लोग आपको समझाने वाले और अनुवादित भी हैं बहुत से हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए आजकल और सबसे बड़ा हमारे धर्मशास्त्री हैं हमारे गुरु हैं आज भी, हैं। आज भी हमारे शंकराचार्य हैं उनको अधिकार है किसी और को अधिकार नहीं धर्म पे बात करने का तो जय धन्यवाद मातरम जय श्री राम जय श्री राम धन्यवाद मीनाक्षी जी आपने जिस प्रकृति के इकोसिस्टम की बात की वही हमारे हिंदुत्व का भी इकोसिस्टम है और यह सब धर्म शिक्षा से ही आ सकता है आपने कई हुई प्रत्येक बातें हम सभी के हृदय तक पहुंची है और निश्चित ही इसके विषय में आचरण भी आरंभ होगा धन्यवाद मीनाक्षी जी अंत में हम इस सत्र के अंत में एक प्रस्ताव हम देखेंगे महोत्सव में हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि हिंदुत्व के विरोध में नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है यदि हम हिंदू राष्ट्रवीर महान योद्धाओं को इतिहास के विषय में हम शिक्षा में लाने का प्रयास करते हैं तो शिक्षा का भगवाकरण ऐसे कहा जाता है परंतु दुर्भाग्य से कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने इसी सप्ताह में एक आघात किया है दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है स्वतंत्रवीर सावरकर जी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी इनका जो भी सूत्र था पाठ्यपुस्तकों में इनके विषय में जो ज्ञान था वो सभी हटा दिया जाए ऐसे कांग्रेस कौं, सरकार ने किया है साथ ही धर्म कार्य में अग्रसर श्री चक्रवर्ती सुले बिले जी सूल बिले जी जो यहाँ अधिवेशन में भी आते हैं तो उनका भी जो एक पाठ्यक्रम था वो भी धर्मद्रोही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पाठ्यक्रम से हटाने की मंजूरी दे दी है तो यह वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का उनके इस हिंदू द्वेषी निर्णय का विरोध करता है निषेध करता है यह प्रस्ताव हम इस महोत्सव से पारित करते हैं जय तू जय हिंदू राष्ट्र के घोष से हम कर्नाटक सरकार का निषेध करेंगे जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू धन्यवाद इस सत्र के लिए हम यहीं रुकते हैं ठीक पाँच बजे हम पुनः सभागृह में उपस्थित होंगे हमारे पास समय कम है केवल एक ही दिन शेष है हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर यहाँ रुकेंगे धन्यवाद